बलराम जी
की कितने स्वरूप में कितने प्रकाश में। मूल रूप में बलराम जो है मूल शंकर सा, जो कि समस्त यादवों को सबको एकत्रित करेंगे, सबको आकर्षित करके एक साथ करेंगे। कंस के द्वारा छिन्न विच्छिन्न हुए जितने भी यदुवंशी, वृष्णि वंश, वृष्णि अंधक, गुरु पुरु, भोज, स्वात, ये सभी एक साथ में होते थे। जबकि कंस के अत्याचार से इधर उधर भाग गए, बहुत दूर दूर हो गए, विच्छिन्न प्राय। परंतु उन सभी यदुवंशियों को श्री बलराम जी ने अपने गुणों के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया, अपने पास ले लिया। इसलिए गर्गाचार्य ने कहा इनका नाम शंकर सब होगा, सबको आकर्षण करके खींच के रखते। अतः देखिए ब्रज का स्वरूप मथुरा और द्वारका, फिर वैकुंठ, फिर महाविष्णु महाकालपुर, कारण समुद्र में, फिर गर्भ समुद्र में, फिर खीर समुद्र में, और फिर ब्रह्मांड को धारण करने वाले अनंत देव, ऐसे ऐसे श्री बलराम जी विराजमान। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन होता है कि शंकर सण कारण तो सारे गर्भो दुसाई च पयोक्ति सारे शेषस्य जर्सांश कला अंश अंश कला। इस रूप में भगवान अपने को प्रकाश किए, बहु मूर्तिक एक मूर्ति। कल जैसे कुछ बात पर हो रहा था ना कि भगवान का बहुत से स्वरूप, बहुत प्रकाश कार्य निमित्त भगवान भी बहुत रूप में प्रकाशित हुए, लीला निमित्त और जीवों का संरक्षण करना, जीव का पालन करना सबका आधार। जितने भी जीव सब बलराम शंकर सं से आ रहे हैं, तो इसलिए सबकी सत्ता जो है, सभी सत्ता का मूल आश्रय कौन? स्वयं बलराम जी। उनसे सारी सत्ताएं बनी हुई, इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन होता है एक धाम रूप में, कृष्ण के परिकर रूप में, फिर कृष्ण सेवा के लिए आसन बसन भूषण चावल छत्र पादुका इत्यादि इत्यादि स्वरूप में, कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ चाहिए सभी कुछ बलराम जी, और उन्हीं का ही प्रकाश है, उनसे ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो विस्तार किए हुए स्वयं बड़े भैया बलराम जी, बड़े भैया के रूप में, और इस पर्दे के आड़ में कृष्ण की सारी लीलाएं होती है। राधा गोविंद की जितनी लीलाएं हैं, सभी लीलाओं को सहारा लेकर के जाने बलराम जी का सहारा लेकर के होता है। क्यों? सिर्फ बलराम जी एक पर्दे के रूप में, कृष्ण जब जैसा चाहे जैसे उनकी इच्छा हो उस रूप में वे लीला विलास करते हैं। सिर्फ बलराम जी उनके मूल सहायक और संरक्षक, फिर सब प्रकार से सेवा करने वाले, आसन बसन भूषण छत्र पादुका ये माना जाता है। तो
इस रूप में भी सेवा करते थे। फिर बल्लाभ जी बड़े भैया के रूप में, तो ब्रज में उनका प्रथम स्वरूप होता है, वही मूल स्वरूप है। एक माधुर्य, दूसरा है वैश्य। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला। यहां वैभव को प्रकाश करके कुछ लीलाओं को प्रकाश करते हैं, चमत्कार को दिखाते हैं, तो ऐश्वर्य हो जाता है। सिर्फ बलराम जी नहीं, बलराम जी का आयुध जो है हॉल भूषण, हॉल से खींचते सबको आकर्षण करते हैं। उनका जो हथियार है हल है, हल के द्वारा खींचते। परंतु ब्रज में उन्होंने हल धारण किया या नहीं, मूसल धारण किया या नहीं, कभी देखा नहीं है। सभी लीलाओं में हल मूसल धारण नहीं किए, वहां सिंह बजाते हुए विषाण और सिंगार बलराम जी का ये हथियार नहीं है, यही उनका जो वैभव का है, या उसके द्वारा सबको आकर्षित करते हैं, बजाते हैं, सबको आनंदित करते हैं श्री बलराम। और माधुर्य स्वरूप से जबकि ऐश्वर्य स्वरूप में जाए, मुद्रा में जब गए, तो कृष्ण ने बड़े भैया से कहा, भैया जरासंध 18 अक्षय भी सेना लेकर के आए, 23 अक्षय भी सेना, तो 23 अक्षय भी सेना लेकर के चारों ओर घेर दिया, अब तो इनसे लड़ना पड़ेगा, ऐसे खाली हाथ तो लड़ा नहीं है, हथियार उठानी पड़ी। तो आप आज्ञा दें तो हथियार उठाए, बोले उठाओ, बिना हथियार से कैसे काम चलेगा। इसलिए कृष्ण ने सारंग धनुष और फिर चक्र गदा पद्म धारण किया। उधर तो उधर में बलराम जी ने तब हॉल कुशल धारण किया। कृष्ण ने दारू भैया से कहा कि भैया जरासंध की सेनाओं को मारना है, परंतु उसे छोड़ देना है, जरासंध को नहीं मारना है। बोले क्यों? इसलिए कि जरासंध सेनाओं को तैयार करके लाता है, तो हम कहां जाएंगे, कहां तक हम जंगल में और खंदराओं में और अंदर मिट्टी के अंदर कहां छिपे हुए, कहां हम ढूंढते रहेंगे। इससे अच्छा जबकि जरासंध सबको पकड़ पकड़ करके लाएगा, तो शत्रु सेनाओं को यहां बैठे बैठे हम मारेंगे। अतः जरासंध को नहीं मारना है, अभी छोड़ देना, अभी नहीं मारना है। तो बलराम जी बोले कि अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा वही हो। तो इस प्रकार कृष्ण की इच्छा के अनुरूप बलराम जी बड़े भैया हैं, वो करके अनुशासन बनाते हैं। कृष्ण अपना कोई मनमानी नहीं करे, इसलिए बड़े भैया के रूप में। फिर सुरक्षा की दृष्टि में सेवक के रूप में ब्रज में हर प्रकार से सेवा करते हैं।
बलराम जी कभी कृष्ण को छोड़ करके नहीं। तो इसलिए माधुर्य मूर्ति से बलराम ब्रज में कृष्ण के साथ में लीला विलास करते। गोचारण में जब गए पहले पहले बछड़ों को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किया, तब कृष्ण ने बड़े भैया ताऊ भैया को कहा कि ताऊ भैया मैं थोड़ी देर घूम के आऊंगा, आप बछड़ों को देखना, सब कुछ संभालो, मैं आ रहा हूं। इतना कह करके जमुना पुलिन में आए और इस जमुना पुलिन में गोपियां छोटी छोटी बच्चियां पुष्पों का चयन करके माला गूंद करके बैठी रहती, कृष्ण आएंगे उनको पहनाएंगे। तो इसलिए जब कृष्ण आ जाते हैं गोपियां अब कृष्ण का हाथ पकड़ करके खींच के अंदर ले जाती, चलो भैया अंदर खेले जाओ। फिर कोई गोपी बोलती है कि इतना सुंदर बालक कौन है, दूसरी कहती है अरे तुम नहीं आती हो, यही तो पुतना नहीं है जिसने पुतना को मारा, बकारी जिसने बकासुर को मारा, अघारी अघासुर को मारा इसलिए अघारी। तो ऐसा कह करके बात करते। फिर दादाजी फूलों के श्रृंगार से उसको सुसज्जित किया करते, इस प्रकार सजाने से नहीं वृंदा देवी वन के फल को लेकर के आती। तो फल को लेकर के जबकि राधा जी को देती, तो राधा जी उसको तैयार करके को खिलाती। इसलिए इसे वन भोजन या पुलिन भोजन कहा जाता है, जहां पर गोपियां सब प्रकार से सेवा करती। तो बचपन से तो इसलिए वहां पर बलराम जी के साथ पर यहां पर गोपियों के साथ में लीला विनोद करते, सखाओं के साथ में पुलिन भोजन भी हो रहा है और यहाँ पर राधा जी कृष्ण को खिलाते खिलाते और गोपियों के साथ में गोटी खेला, पत्थर लेकर जैसे एक पैर से फेंक करके और एक पैर से उसको हटाते खेलते, तो बच्चों का खेल होता है। तो कृष्ण उस समय पंछी बजाते बोले कि भौरे का जैसा अनुकरण करके बजाने लगे, इसी तरह से कृष्ण बंसी बजाना शुरू किया। उधर बलराम जी वे सिंगा बजाते तरह तरह के लीला विनोद में खेल कूद में आनंद उत्सव में, ये ब्रजलीला है। जिस ब्रजलीला के अंदर असुर मारण आदि ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, श्री बलराम जी ने जैसे गर्दवासुर को मारा है फिर प्रलंबासुर को मारा है, ऐसे ऐसे असुरों का विनाश करके जो अज्ञान और छल कपट की मूर्ति है उन्हें भी दूर किया। इसलिए बलराम जी ब्रज पे माधुर्य भाव में एक तरफ लीला करते, यहाँ कोई ऐश्वर्य प्रकाश नहीं होता है पर मथुरा में जाके वह ऐश्वर्य प्रकाश हो जाता है, द्वारका में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य प्रकाश होता है, जैसे शिल रूप गोस्वामी बाद में पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम भगवान के तीन प्रकार प्रकाश को दिखाए कि द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्ण तरह है,
पूज्यपाद जनार्दन महाराज जी कहा करते थे। बोले मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों बराबर रूप में, कुछ ऐश्वर्य प्रकाश होता है और कुछ माधुर्य, इसलिए वहां पर पूर्ण तरह प्रकाश। अब ब्रज में माधुर्य परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित हुआ है, तो इसलिए माधुर्य मंडित वृंदावन जो है ब्रजभूमि में कृष्ण बलराम के जितने लीलाएं हैं पूर्ण माधुर्य से भरा हुआ, उनमें से ऐश्वर्य कुछ मात्रा में प्रकाशित होता है। जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण पाठ ने सिद्धांत रत्नम में कहा कि ब्रज में माधुर्य समुद्र, ऐश्वर्य कितना है, बोले एक तिनके के समान, जैसे दूध की कढ़ाई हो, बहुत ज्यादा दूध खौला है तो उसके अंदर में कोई एक तिन का छोटा सा एक टुकड़ा गिरा हुआ है, तो वो कभी ऊपर आता है कभी और हमेशा नीचे जाता है, कोई पकड़ना चाहे पकड़ नहीं पाए। ऐसे ही भगवान का भविष्य यहाँ एक दिन के समान, यद्यपि ब्रजभूमि परिपूर्ण ऐश्वर्य से भरा हुआ है, चिंतामणि भूमि धूल गण चिंतामणि, इतना ऐश्वर्य इतना वैभव वैकुंठ में नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पास कहते हैं वैकुंठ में संपदा क्या है, कल्पतरु कल्पवृक्ष वैकुंठ का संपद, चिंतामणि वैकुंठ का संपद। तो ये चिंतामणि एक कल्पवृक्ष सबको मात करके रखा है, बोले भाई वैकुंठ का ये अनमोल संपद, वही चीज ब्रज में आकर के क्या हो रहा है। बोले यहाँ के धूल कण जितने हैं सभी चिंतामणि है, चिंतामणि का कोई काम ही नहीं है, गोपियों के पैरों के पैजे नूपुर का ही काम आता है चिंतामणि, और कोई काम नहीं। बोले सभी धूल कण चिंतामणि, जितने वृक्ष हैं सभी कल्प वृक्ष। बोले हमें तो एक भी कल्प वृक्ष दिखाई नहीं देता और ना ही एक धूल कण चिंतामणि दिखाई नहीं पड़ता। बोले कि हर कोई चीज अपना वैश्य अपनी प्रभुता संपन्नता को छिपाए हुए, माधुर्य भाव से इतना परिपूर्ण है किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा, केवल माधुर्य ही माधुर्य रहेगा। तो इस प्रकार इस माधुर्य की भूमि है जहां पर कृष्ण बलराम ने लीलाएं की है, लीला भूमि। अब वैकुंठ में श्री बलराम जी कृष्ण का वैभव प्रकाश, तो कृष्ण की ये प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, प्रकाश और विलास दो प्रकार से दिखाए हैं, एक प्रकाश होना दूसरा विलास होना। प्रकाश क्या है, एक स्वरूप में बहुत स्वरूप, एक ही प्रकार, जैसे जैसे कृष्ण ने राज रचाया जितनी गोपी उतने कृष्ण उतने स्वरूप में प्रकाशित हो, ये कृष्ण का प्रारंभ प्रकाश। जब द्वारका में जाते हैं कृष्ण, वहां पर रुक्मिणी आदि महिषियों के साथ राजकन्याओं के साथ में विवाह किया, 16,000 राजकन्याओं को एक साथ में विवाह करना पड़ा। वहां के पंडितों ने विद्वानों ने कृष्ण से चतुराई की,
जब उनसे कहा कि बोले भाई एक दिन तारीख ठीक करो, शादी करनी पड़ेगी। इतने जो लड़कियों को लाया गया है इनको बिना शादी किए होगा ही नहीं, काम ही नहीं बनेगा, करो क्या? जब शादी करना ही है तो ये दिन तिथि तैयार करो। इन लोगों ने चतुराई की कि साल भर के अंदर केवल एक ही दिन बचा है, एक दिन एक मुहूर्त। आप शादी करना चाहते हैं 16,100 राज करना हो सकता, पर तो आपको शादी एक ही टाइम पर करना पड़ेगा, और टाइम नहीं है और कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा। कृष्ण बोले अच्छा, ये लोग भी चतुराई करने लगे, कोई बात नहीं है, हम करेंगे एक साथ। तो जितने राजकुमारियां उतने प्रकाश में बन गए, देवकी वसुदेव तो उतने प्रकाश में, उतने राजमहल बना लिए। ऐसे ऐसे करके उन्होंने विवाह रचा एक साथ में। वे लोग बोले हम सभी एक साथ में, हम प्रत्येक भंडारा को देखना चाहते हैं, प्रत्येक उत्सव को हम देखना चाहते हैं, उसमें भाग लेंगे। ये ज्योतिषियों ने ज्योतिषियों को कहा कि भाई थोड़ा सा ये दिन तिथि निर्णय करो विवाह का। तो बोले कि आपके प्रत्येक विवाह हम देखेंगे और सब जगह हम जाएंगे। तो कृष्ण बोले कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो कृष्ण ने जितना स्वरूप प्रकट किए उतने स्वरूप में उनके बल यात्री जितने सबको भी ऐसे बना दिया, सभी लोग एक साथ में एक जगह सब विवाह केवल अकेले कृष्ण इतने स्वरूप में बन गए, ऐसा नहीं सबको बना लिया। तो ऐसे जो कोई को प्रकाश किया तो इसको क्या कहेंगे? प्रभाव विलास। क्यों? वहां बहुत रूप में बहुत प्रकाश में हो करके सबके साथ अलग अलग रूप में लीला करते हैं। तो इसलिए ब्रज में जो होता है वो प्रभाव प्रकाश है, और द्वारका में जो होता है प्रभाव विलास होता है। ऐसे ही वैभव प्रकाश और वैभव विलास। श्री बलराम जी जो है ब्रज में वैभव प्रकाश है, जब द्वारका में होते हैं हल मुसल धारण करने वाले ऐश्वर्य मूड में है, ऐश्वर्य स्वरूप में। अतएव वहां पर प्रभाव विलास होता है, ये वैभव विलास। उसमें भी वैभव विलास का भी विलास हो जाता है। क्यों? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बाप बेटे चार जने एक साथ हो गए, दो भाई और दो बेटा और नाती, फैमिली ट्रस्ट बना करके घर संसार चलाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भी अपना घर संसार चलाने के लिए वहां पर वो ट्रस्ट भी बना लिया। बोले कि भाई जो कोई रहेगा वही देखेगा, चार जने मिल करके। कभी कृष्ण है कभी है नहीं, कृष्ण जब नहीं है तो कौन देखेगा? बलराम देखेगा। बलराम जी नहीं है तो प्रद्युम्न देखेगा। जैसे साल युद्ध कर रहा है, विमान में चढ़ करके युद्ध कर रहा है, लड़ाई हो रही है, विमान युद्ध चल रहा है और कृष्ण वहां है नहीं। इधर में बलराम जी ने प्रद्युम्न को कहा, ए प्रद्युम्न मैं लड़ाई में नहीं आऊंगा, तुम जा, तुम संभाल के आओ। तो लड़ाई संभालने के लिए प्रद्युम्न को भेज दिया, और विमान युद्ध में भारी पड़ रहा है, प्रद्युम्न को भी भारी पड़ रहा है। इतने में कृष्ण ब्रज से लौट के आ गए, क्योंकि दंत वक्र को मारने के लिए ब्रज में गए थे शिशुपाल वध होने के पश्चात। तो ब्रज में जाकर के 2 महीने रहे, और ऐसे समय में साल ने दो
द्वारकापुरी में आक्रमण कर दिया। बलराज जी चुपचाप बैठे हुए हैं, बोले बोले उनको कहने दो, हम नहीं जाते। तो अब प्रद्युम्न अकेला लड़ाई कर रहा था। जब कृष्ण आगे देखा, अरे ये क्या हो रहा है, द्वारकापुरी में लड़ाई चल रही है, अब विमान की लड़ाई आकाश में। तो उस समय कृष्ण ने आया आकर के चक्र से सारे विमानों को ध्वंस कर दिया, सब गिर गए समुद्र में, सब गए खत्म। तो शाल्लवध हुआ। तो ऐसे ऐसे देखा जाता है कि एक ट्रस्टी बना दिए जो प्रद्युम्न देखेगा, कभी प्रद्युम्न भी नहीं जाए तो अनिरुद्ध देखेगा। तो द्वारकापुरी को संभालते हैं, तो ये प्रथम चतुर्भुज कहलाता है, वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, प्रथम चतुर्भुज। ऐसे ही वैकुंठ में, तो वैकुंठ को संभालना पड़ेगा भाई, वहां तो पूर्ण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भूमि वैकुंठ को संभालने के लिए वहां भी वासुदेव स्वयं नारायण के रूप में ऐश्वर्य विलास विग्रह स्वयं नारायण के रूप में बने। तो वासुदेव शंकरसन, तो वहां द्वितीय चतुर्भुज के रूप में महाशंकरसन बन गए, मूल शंकरसन का अंश बन गया महाशंकरसन। इसलिए द्वितीय चतुर्भुज वैकुंठ में है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सभी अंश में प्रकाशित हुए। तो द्वितीय चतुर्भुज के रूप में वैकुंठ में है, पर उस महाशंकरसन का अंश जो है वही कारणाधिशायी महाविष्णु है, जो कारण समुद्र में शयन किए हुए अनंत करोड़ ब्रह्मांड के नियामक है, जिनके अंदर में लोम ब्रह्मांड समूह लोम बिलजा भगवान के लोम रूप में अवस्थित है। श्वास लेते ही अंदर जाता है, श्वास छोड़ते बाहर आता है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक रूप में कारणाधिशायी विष्णु, अव्यक्त प्रकृति उनमें समा जाती है। जितने भी जीव हैं, सभी जीव उनमें समा जाते हैं, उनमें अवस्थित हो जाते हैं, प्रलय काल में सुप्त रहते हैं। जब भगवान विष्णु पुनः सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, लक्ष्मी जी की ओर दृष्टि डालते हैं, तब यह ब्रह्मांड प्रकट होता है भगवान के ललाट से। ये ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है पिंड के रूप में, पर पिंड को अब कैसे जगाएं? पिंड को जगाने के लिए गर्भोदक साई विष्णु के वाम अंगात अस्त्रिजत विष्णु दक्षिण अंगात प्रजापति, कारणाब्धि साई विष्णु के दाहिने अंग से प्रजापति यानी गर्भोदक साई विष्णु, और बाएं अंग से क्षीरोदसाई विष्णु। तो गर्भोदकसाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड के अधिनायक बनकर के आए। तो ब्रह्मांड रूपी उदक में यानी पिंड के अंदर में प्रवेश किया, कहने पर देखा गया कि खाली पड़ा हुआ है। तो गर्भोदकसाई विष्णु जब इसके अंदर में आए, देखा कि कुछ है नहीं, बंधक कमरे के अंदर में घुटन होता है, गर्मी होती है, जैसे उस दिन हुआ था है ना, ऐसे कभी बंद नहीं करना चाहिए, खुला रखे
नहीं तो हवा नहीं मिलेगी, है ना। बंद कमरे में रहेंगे तो क्या होगा, जैसे कुएं में घुटन होता है, गैस होता है तो उसमें वो लोग मर जाते हैं, बहुत गहरे कुएं में लोग मरते हैं, क्यों, गैस की वजह से। वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, हवा भी होनी चाहिए, खुली हवा में। देखो ना, छत के ऊपर जाओ तो कितना खुली हवा मिलती है, लगता है कि जाना आ गया, नीचे घुटन हो जाता। अतः ऐसा नहीं करें तो भगवान विष्णु ब्रह्मांड पिंड के अंदर में प्रवेश किया, उनके शरीर से पसीना निकलना शुरू हुआ। अब पसीने में भगवान विष्णु भी सो गए, सहस्त्र वत्सराम साफ सुख, हजारों वर्ष तक सोते रहे। तो पानी में आधा भर गया, ये ब्रह्मांड पिंड का आधा पानी में भर गया, उसी में सोते रहे। फिर भगवान ने इच्छा की सृष्टि करने की, उनके नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पीछे से जब सृष्टि की प्रक्रिया आई तो ये कमल नाल में ही 14 भुवन कल्पना हुई, यानी 14 भुवन बने। सप्त पाताल और सप्त सर्ग, ये 14 भुवन बने। तो इसमें प्राणियों की उत्पत्ति हुई, प्रजाओं की सृष्टि हुई, धीरे धीरे सृष्टि का विकास हुआ, समस्त जीवों के अंदर में भगवान ने सीआईडी खूब लगा दिया। कोई एक व्यक्ति इधर उधर भाग नहीं सकता, सबके पीछे सीआईडी लगा दिए। वो कौन, परमात्मा विष्णु क्षीरोत्साही, क्षीरोत्साही विष्णु समस्त जीवों के अंतर्जामी होकर के अवस्थान कर रहे, सबको देख रहे, सबका पालन कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा, सबका नियामक बने हुए, सबका संचालन कर रहे। तब हम सभी लोग चल रहे हैं, फिर उनके नियामकत्व में हम सभी लोग चल रहे हैं, फिर रहे। इसलिए जीव स्वतंत्र होते हुए भी और स्वतंत्र पराधीन, भगवान के हम अधीन। तो अतएव हम उनके पराधीन होकर के ही रहते, वे हम सबको चलाते। बोले नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा, बिजली नहीं चलाएंगे तो। ब्रह्मा जी ने जब पिंड को सृष्टि किया, देह पिंड को बनाया, कपिल देव बुद्धि संवाद में क्या बोल रहे हैं कि नोदत इष्ट तदा विराट। ब्रह्मा जी ने देह पिंड को बनाया, सारा सब कुछ तैयार कर दिया, फिर भी ये विराट जग नहीं रहा है, गड़बड़ी है। तो वो क्या है, ये विराट देह पिंड। इस देह पिंड के अंदर में जब ड्राइवर के रूप में भगवान स्वयं आए, परमात्मा आकर के विराजमान हुए, चलाने लगे, तब गाड़ी दौड़ने लगे, ये शरीर पिंड चलने लगा। इस तरह से प्रत्येक जीवों के अंतर्गत सबके नियामक, सबके पालक, संरक्षक भी अनंत देव के रूप में पाताल लोक में रह करके ब्रह्मांड पिंड को सिर पर धारण किए। तो सब प्रकार से पालन करता विष्णु यानी श्री बलराम जी सबके संरक्षक हैं, समस्त सत्ताओं के मूल सत्ता है, और फिर नायमात्मा बल है नहीं नलंब। कमजोर व्यक्तियों को कुछ काम नहीं होता, कुछ कर नहीं पाता, साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। वो कौन है, श्री बलराम जी गुरु के रूप,
शक्ति सामर्थ्य सब कुछ देते हैं, जित बल को प्रदान करते हैं, उसके बिना हमारा कुछ चलता ही नहीं, हमारा भजन साधन भी संभव नहीं। अतएव उस बलराम जी का हमें आश्रय ग्रहण करना है, उनके चरणों में हम लोग नमन करते हैं, कृपा करुणा की भिक्षा करते हैं कि वे हमें जित बल प्रदान करें, सेवा में लगाए, नहीं तो हम लोगों से कुछ भी नहीं होता है। अतएव हम सब का आश्रय अखंड गुरु तत्व का मूल आश्रय विग्रह जो श्री बलराम गुरु के रूप में सब प्रकार से शिक्षा देने वाले और चेतना जगाने वाले और प्रेरणा देने वाले शक्ति संचार करने वाले श्री बलराम जी हैं। अभी महाराज लोग सब बोलेंगे, अतः मैं यहीं पर रहता हूँ, आगे हम सब लोग वर्णन करें। गौर ब्रह्मानंदे हरि। स्य ज्ञानञ्जनशरभय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चगर्भदरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजनो लम्बितभुजो गणकावदतो सङ्कीर्तने कवितरो कमलाय तक्षो स्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कनकाजललगत्रो निरासुनां जनेत्रो मृगवरवरवरो वरतिकुन्दावरो सररातरुणवेषो निरपिताम्बरेषु स्मरानिवृत्तनिकुञ्जे अधिककृष्णचन्द्रो संसारदुःखजरदुःखतितस्य क्षमाकृदादिनाक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगणितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रानमुना। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्रीद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I would like to offer my unlimited Shastan Dandavat Pranam in the dust of the lotus feet of my spiritual masters, Nityalila Pravishna Vishnu Paj, Shimachila Bhogu Swami Maharaj, Nityalila Pravishna Vishnu Paj, Shimachila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Bhagupad, Nityalila Pravishna Vishnu Paj, Shimachila Bhakti Vedanta Shila Narayana Swami Maharaj, Kerila Pravishna Vishnu Paj, Shimachila Bhakti Rakakshila Gosai Maharaj, Hora Rupa Nuga Guru Vahya Vaishnava Chaya Zedet Vaishnava Sigan, O Sanyasi, O Vaishnava and Vaishnavi, please accept my Dandavat Pranam, begging for your causeless mercy. Today, as you heard, so much Harikata, Varadev Kata, by Divine Grace, Bhakti Vedanta, Tirtha Maharaj, so much is there to speak about Baladev, because he is the complete and divided Akanda Guru Tattva. His contribution is full, completely. He is non-different than Krishna, only little difference in color, and is holding the horn, how you say?
like, Abhiman is like no different than Krishna, but he is thinking, I am a servant of Krishna. That is, in all categories of rasa, he is fully present, serving Krishna in Shanta, Dasya, Sakya, Vatsarya, mainly. In the work of creations is also completely manifested as Karana Dakshai Vishnu, Garbha Dakshai Vishnu, Shiva Dakshai Vishnu, holding all the universes in his hoods, as Maharaj was saying, as Anantashesh. As Anantashesh also, he serves Krishna as his paduka, his kunda, his house, armchair, cloth, flutes, in every aspects of service, Mahadev is present. In this way, he is showing the whole world his whole way of serving Krishna in the full, completely undivided ways. So therefore, he is Akanda Guru Tattva. As Guru, is actually adjusting the position of the disciple and the Guru. Like in the example of instance of Ramaharsha and Sutta. When he came to Namisharana, there was 88,000 sages were about to listen to the Puranas from the mouth of Ramaharsha. But when he arrived, all the sages, they stood up in reverence to Baladev Prabhu. But Ramaharsha was not giving any respects. He even didn't even fold his hands. So therefore, not showing proper examples, Baladev Prabhu, he punished him. He killed him with pushagras. Just by touching him, he shows that pushagras is just a piece of grass, but just by touching him that like this, he shows that he could kill him with nothing, actually. Then the sages, they complained. They said, who's going to speak now? The Puranas. But then Prabhu said, oh, I can give him back his life. Then you can hear from. But the sages said, no, actually you did very, very well. He's not actually qualified to speak. But who will speak? Then Mother Prabhu designed his son, Ugrashrava, Ramaharshan Sutta, that is Sutta Goswami, to speak instead, and by putting his hand on his head, all Tattva Siddhanta manifested, and therefore Sutta Goswami could speak to all the sages. So therefore, by adjusting the position of disciples and guru, Baladev Prabhu is doing this type of things. Also, when Bhima and Dronacharya was fighting, he arrived on the scenery and he saw that Bhima actually cheated by striking his mace on the high thigh of Dronacharya. Duryodhana. Then he was about to kill Bhima, but Krishna stopped him and said, no, I told him to do that. So therefore he didn't say anything more and he left for pilgrimages. Also, once Arjuna, disguised as a sannyasi, he came to a function where Krishna was present and Baladev was there. Krishna paid obeisances to Arjuna and everybody else gave so much respect. But after some time, we
we saw that Arjuna and Subhadra was looking to each other, and Subhadra became very, very much attracted to Arjuna. So therefore, in a little time, Subhadra jumped into a chariot and took Arjuna's hands and hop him inside the chariot and start to go. Then Varadev was ready to run after Arjuna to kill him. He couldn't recognize that Arjuna, the sannyasi, was Arjuna by the power of Yoga Maya. But when he wanted to run after Arjuna to kill him, Krishna told him, "What? Where are you going?" He said, "Oh, don't you see? This Arjuna has kidnapped Subhadra because he wanted to marry Subhadra to Duryodhana." So Krishna told him, "What's wrong with that? I also kidnapped Rukmini and others like Shamba. They kidnap other ladies also. There's nothing wrong, eh? Lakshmana. So there's nothing wrong with them." So when he heard Krishna's voice speaking, then he became peaceful like this. So he's very, very much submissive to Krishna. Sometimes he can also slap Krishna. When Krishna is making too much politics in his games with the other Sakas, that will make them defeated, because Balaram and Krishna are in different teams. So Krishna is very expert to mix up the minds of his opponents. So when he makes too much politics, then Baladev, he sees the cheating, then he becomes angry. Then one day he slapped Krishna, and Krishna started crying. He said, "I will tell Yashodameya that you slapped me." Then Baladev said, "Why? You're doing such a bad things. I slapped you only one time. Why you should complain about this? There's nothing there. So you should not do anything." Then Krishna was defeated. He didn't say anything. So like this, their relationships is very, very, very sweet. When Baladev was born, he didn't open his eyes until 1 week after, when Krishna took birth also. So they put them on the same swing, and they looked at each other, and they were so happy, and they were smiling to each other. They were so happy to be together. In this way, from the very beginning of their life, Baladev is never leave Krishna even one inch. He is following him in ground, pasturing grounds, to take care of the cows. Even he knows that Krishna is all-powerful, still by his love and affection for him, he feels that responsible for his protection. So he is always there and protect Krishna in so many, many ways. So I think everybody wants to speak something. I just spoke a little, by your mercy, something about Baladev Dhamma. I thank you very much. Dhanyavad pranam vachaka patipati pad. Hare Krishna. আবির্ভূত সকারুণ্য শ্রীবামন নারায়ণ রূপানুগ প্রবরুদ শ্রী
namastubham trahimam krishna purvaja sri gurave sri gaura chandraya saparikari yugal kisraya cha brajadhamaya purusattam chetraya radhavanaya cha namo namaha Vrindayai tulasi devvai priyayai kesavasacha krishna bhakti prade devi satya bhaktai namo namaha sri krishna chaitanya prabhu nityananda sri advaita gadadhar srivasadi gaur bhakta vrinda hare krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sabek Sat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jo dharm brahmacharya to chhipe hue hai samne aa jao chhipne ki zarurat nahi छिपोगे तो बलदेव प्रभु मार देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे माई हम्बल ऑबिसेंसेस अंडर द लोटस फीट ऑफ माई परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एंड ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज आई पे माई हम्बल ऑबिसेंसेस एंड द लोटस फीट ऑफ माई स्पिरिचुअल ग्रैंडसन श्री श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विथ ऑल एसोसिएट्स प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एंड एंटायर उपांग गुरुवर्गस pay my humble obeisances and lotus feet of Baladev Prabhu, who is undivided Guru Tattva as appearance day today. After that I convey my Dandavat Pranam all Vaishnavas and Vaishnavi assembled here, presiding over by Tridandi Sannyasis, Sri Tirtha Maharaj, Sri Sridhar Maharaj, Sri Shruti Maharaj, Vishnudev Maharaj, Narasimha Maharaj, etc. Aaj, बलदेव प्रभु का सुबह विभाग तिथि आप लोगों ने श्री तीर्थ महाराज से विभिन्न तत्व कथा श्रवण किया और श्रुति महाराज जी बताया मुझे मथुरा जाना है जन्माष्टमी भिक्षा के लिए मुझे जाना था बोले नहीं पहले श्रुति महाराज बोलते ठीक है तो मेरा अनुरोध है मेरा जाने के बाद आप लोग बैठ के स्वयं का श्रवण करेंगे ये बलदेव तीर्थ महाराज जहाँ छोड़ा मैं वही से शुरू करता हूँ जय जो इच्छे इष्ट दे प्रसाद भुंजिया अवशेष राखन किछु सेवक लागिया हमारे इष्ट देव कौन है हरि गुरु वैष्णव वैष्णवगण प्रसाद सेवा कर जो कुछ अपने पत्तल पर उच्छिष्ट रखते हैं जो तीर्थ में जैसे हरि कथा सेवन करके जो रखा वहीं से शुरू कर रहा हूँ वो तत्व से शुरू किया मैं भी तत्व से ही शुरू कर रहा हूँ लेकिन केवल तत्व से नहीं चलेगा चेक एंड बैलेंस के लिए कुछ लीला कथा भी बोलना पड़ेगा और दीक्षा के समय मारे गुरु महाराज गुरुदेव मेरा नाम नवीन कृष्ण रखा था कुछ मैं भी बोलना पड़ेगा उन लोगों को नोटाच करके महाप्रभु सनातन से कह रहे सनातन गोस्वामी से कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैगें तत्त ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन स्वयं रूप तदेक आत्म रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहन भगवान स्वयं रूप जो किसी रूप के प्रतीक्षा ना करते हैं उन अपेक्षा नहीं जो स्वयं रूप है उसके बाद तदेक आत्म रूप तत् एक आत्मा उन्हीं के साथ एक आत्मा जैसे हैं उसमें केवल वर्ण का था शरीर के अंग का भेद है अष्ट प्रकार भाव का भेद है वो कौन है बलदेव प्रभु
क्या आज सुबह आविर्भाव तिथि और जन्म तिथि। ये ब्रज में बलदेव प्रभु और मथुरा दादा के बलदेव प्रभु कैसे, थोड़ा सा मैं तात्विक विवेचन करके कुछ लीला सुनाऊंगा। कंस जब देवों के मारने के उद्दत हुए, जो आकाशवाणी सुनाई पड़ा, अरे मोर कंस तू इसे क्या मारेगा, इसका आठवां गर्भ तुझे मारेगा। कंस कूद गए देवकी को मारने के लिए, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। फिर वसुदेव महाराज समझाया, देखो कंस तुम अपने बहन को मारोगे, अभी अभी जिनकी शादी, जिसको तुम छोटे बहन पुत्री के रूप में मानते हो, अभी पहले स्वार्थ का सिंदूर भी अभी निकला नहीं, और तुम मारोगे, क्या जगत में तुम्हारा सुनाम फैलेगा। मृत्यु जन्म पतंग विरधेन सहजायते, हे वीर मुक्त जन्म के साथ ही साथ हो जाता है, और तुम इसे मारोगे लोग तुम्हें कायर कहेगा। अगर तुम अपनी बहन को मार देगा तुम मरोगे कि नहीं मरोगे, तुम तो जानते मैं सच बोलता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जितने भी बच्चा होगा मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। इस समय देखता हूं पूरा जगत में बच्चा होने के 24 घंटा के अंदर नाम रखा जाता है, ये वेस्टर्न ब्रेन से नहीं आया, सबसे पहले बच्चा होने के तुरंत बाद वसुदेव महाराज बड़ा बेटे का नाम रखा था कांतिमान, सबसे पहले शुरू किया वसुदेव महाराज जी ने, उसके बाद उसी को अनुसरण करके पाश्चात्य देश ये शुरू किया है, इंडिया भी कर रहे हैं। सबसे पहले नाम रखा 24 घंटा के अंदर वसुदेव महाराज। कृष्ण का नाम तो नंद बहुत बाद में रखा था, तो फिर उनको छोड़ दिया। ये छठवा गर्भ आया बलदेव, सॉरी वसुदेव महाराज या देवकी तो जेल में थे। वसुदेव महाराज बहुत सी पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का नाम था रोहिणी। रोहिणी प्रतिदिन कंस कारागार में आकर वसुदेव एवं देवकी की सेवा करती थी, फिर चली जाती। सावन के महीना, अभी सावन महीना है ना, रोहिणी एवं देवकी दोनों गर्भवती हुई। कुछ दिन बाद वसुदेव महाराज सोचा, अहो रोहिणी को इधर रखना उचित नहीं है, कंस दुष्ट है, रोहिणी का बच्चा होगा उसको मार डाले तो मेरा वंश ही ध्वंस हो जाएगा, इसलिए रोहिणी को न रख करके मैं अपने परम मित्र नंद बाबा के घर भेज दू। घोड़ी में बैठा कर भेज दिया, वहीं रही। श्रावण भाद्र आसिन कार्तिक अग्रहण पौष महीना में कृष्ण जोगमाया को ऑर्डर दिया, गच्छं देवी ब्रजं भद्रे, उनको ब्रज में भेजा, जाओ क्या करना है, ये देवकी के गर्भ को आकर्षण करके ब्रज में रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दो। ऐसे ही किया। कृष्ण के जो काम सब जोगमाया की बड़ी भूमिका है, लेकिन कृष्ण के शक्ति दो प्रकार है, कहते एक शक्ति है स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति, हलादिनी शक्ति। ये स्वरूप शक्ति या अंतरंग हलादिनी के दो है, एक अंतरंगा एक बहिरंगा है। अंतरंगा 8 प्रकार है, बहिरंगा 8 प्रकार है। इस बहिरंगा में जोगमाया आती है। फिर आते हैं, जब स्थापन कर दिया, इधर मथुरा में गुजब रट गया कि क्या हुआ, देवकी का गर्भ श्राव हो गया। फिर माघ के महीना में देवकी देवी गर्भवती हुई और उधर जसोदा में भी गर्भवती हुई, और आज के दिन ये बलदेव प्रभु मां रोहिणी के गर्भ से नरवत लीला जैसे बच्चा प्रसव किया। तो रोहिणी माने मां के गर्भ में 14 महीना रहने के कारण बहुत हृष्ट पुष्ट हुए, बच्चा मां के गर्भ में अधिक दिन रहने पर बहुत हृष्ट पुष्ट होता है, और अनटाइमली जन्म होने पर दुबला पतला होता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन होता है, बल्कि बहुत हृष्ट पुष्ट हुए। और देवकी के गर्भ से जब स्थापन किया, वो मथुरा के और द्वारका के बलदेव प्रभु थे, उनके अंदर जाके एक बन गए। अब कृष्ण और बलदेव का
दोनों का नामकरण एक साथ हुआ, घुटनों पर चलना एक साथ हुआ। अब आते हैं ब्रज की लीला में। हमारा आज का कार्यक्रम मंगल आरती के बाद शुरू हुआ है। ये मंगल आरती में बलदेव प्रभु की भूमिका क्या है दिखाते हैं। इधर ब्रज में गजनंदन श्याम सुंदर पीताम्बर पहनते हैं, उधर और एक है ब्रजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टन, एक सुत है और एक सुता कौन है, कृतिका मैया जस रोहि, ये विश्वहन बाबा का बेटी, वो नीला वस्त्र पहनती है, नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्ना। इधर बलदेव प्रभु भी नील वस्त्र पहनते हैं, उधर सुबल भी नील वस्त्र पहनते हैं। अब आते हैं मंगल आरती के बलदेव प्रभु की भूमिका है। अब मंगल आरती सखियां करती है कुंज में, कृष्ण चले गए नंद भवन में, राधिका चले गई जावट में। कृष्ण को राधिका को जगाने के लिए आती है मुखरा, आती है ज्योतिला, ये सब आते हैं जगाने के लिए। कृष्ण को जगाने के लिए मुखरा जोगमाया पूर्णमासी जसोदा मैया कुंदलता नंदिम की सब आते हैं आती हैं। माँ के कृष्ण को देखा, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई मुख धोलो, लाल उठो उठो पानी लाया मुख धोलो, बेटा तो दुबानो होशावास नहीं घूमे अचैतन्य है। मैया बार बार देख रही है, जस पूर्णमासी समझ गई। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, बेटा तुम इतने चंचल हो, रात में क्या तुम दाऊ भाई के कमरे में चला गया, तुमके नीला वस्त्र दाऊ का नीला वस्त्र तुम्हारे अंगों में क्यों है। मैया कह रही है और पूर्णमासी बता दिया, रामांबर रामांबर, स्पष्ट रूप में रामांबर अर्थात राम प्लस अंबर रामांबर, रामा प्लस अंबर रामांबर। पूर्णमासी कह रही है रामांबर, रामा का अंबर यानी राधिका जी का कपड़ा है, और मैया सोच रही है बलदेव का कपड़ा है, धनिष्ठ उठा के रख दिया। देखिए अगर बलदेव को नील वस्त्र नहीं पहनते तो ये जाना जी कृष्ण क्या हो जाता। नील वस्त्र पहन करके ये बलदेव को कृष्ण की रक्षा की, और ये इसमें भूमिका है मंगल आरती में। फिर आते हैं, इधर हुआ क्या, वो ये जोटीला और मुखर आई नातनी को जगाने के लिए, नातनी उठो उठो उठो। उस समय सूरज किरण थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अब जोटीला आई, राधा जी के अंग में पीला वस्त्र है, और विशाखा देवी ये कौन है, ज्योतिला की बहन की बेटी है, इसलिए ज्योतिला सबसे अधिक विशाखा को विश्वास करती और विशाखा देवी भी उनका फायदा उठाती। अरे तब ज्योतिला बिगड़ गई, मुखरा से कह रही है, देख देख तेरा नौकरी तो सती बोलती हो, या सती का लक्षण है, ये कपड़ा तो कल नंदलाल कंधे में देखा था, ये पीला वस्त्र है, न सखियां देखी न मंजरिया, विशाखा रूप मंजरी रति मंजरी रमन मंजरी राग में सब इशारा कर दिया, करके मुखरा को और ज्योतिला को दोनों हाथों को पकड़ के ले आई। बोले डोगरी देख, थोड़ी थोड़ी किरण आ रही है, तेरा कपड़े का रंग क्या है, बोले पीला, बोले पीला, अरे वो तेरे तुम्हारी नातनी या तुम्हारी बहू बहुत सुंदरी है, वो किससे मिल सकती है, मैं मान लेती हूँ, तुम किससे मिली हो बोलो, तुम्हारा कपड़ा क्यों पीला पीला हो गया, ठहर जा ललिता को आने दे, इतने मजा चखाती हूँ। ललिता का नाम सुनते ही सब घबरा गई, लगता है तुम्हारा पीलिया हो गया है, ललिता के साथ तुम्हें वैद्य के पास भेज दूंगी, तो घबरा रही है। फिर बता बोल, अब तुम इस उम्र में कहीं मारी मारी फिरती हो, जब युवती थी क्या किया हो बोल। तो और घबरा गई, फिर खींच के ले आई, देख अब क्या दिख रहा है कपड़े का कलर, बोले तो नीला है, फिर बोले तेरा, बोले तो पीला नहीं, बोले देखो न तुम असत्य हो न तुम्हारी नातनी या तुम्हारी बहू,
जब सूर्य उदित होता है थोड़ा देर के लिए से दिखता है, इसमें हो गया आपका। अब आते हैं फिर बलदेव प्रभु में हुआ क्या। जब थोड़े बड़े हुए कृष्ण माँ दोनों माँ ने कहा बलदेव प्रभु से, कृष्ण से जाओ, कृष्ण से आई तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, मासी की जन्म नक्षत्र, एक बछड़े को पकड़ के लाओ, तुम्हें अपने हाथ से गौ पूजा करना है और ब्राह्मणों को दान देना है। दोनों भाई चले गए, केवल चिंगली पहना हुआ है, सोने का करधनी, हाथ में सोने का बाला गए, एक दुग्ध फेल राजहंस इसे बछड़े को पकड़ लिया, बछड़े रूप से आना नहीं चाहता है। अब कृष्ण बलदेव तुम इधर कान पकड़ो, कृष्ण बलदेव तुम कान पकड़ा बछड़े और ये हिल रहे हैं कृष्ण, ऐसे करके करके लाए घर के दरवाजा। दोनों भाई इतने जल्दी आ गए, तैयार कर रहे हैं सब, मंगल वचन शस्त्र वचन होगा, बछड़ा आधा घर के अंदर आधा बाहर है, दो पा घर के अंदर आ गया चौकट से, दो बाहर है, और उसके ऊपर टांगा हुआ था माखन की हांडी। बलदेव प्रभु अस्तित्व कृष्ण दिखा रहे दाव को, बात नहीं करना है, मैया आ जाएगी, अब क्या करें। जिनके बता है रत्ना करो तब गृहम गृहिणी च पद्मा, जिनके रत्ना कर रत्न से बना हो जिनका घर है, जिनकी गृहिणी पद्मा जानी लक्ष्मी गणेश फॉर्चून, कोई अभाव नहीं है। अब क्या है उनका अभाव क्या है, मेरे गुरु भाई बोलते श्लोक को बोलते हैं उनका मन नहीं है, बोल के ब्रज के आही भी आहिरियों ने मन को चुरा लिया। बोले हम क्या दे आपके, मैं अपने मन समर्पण कर रहा हूँ, तो कृष्ण का मन तो है ही नहीं, ब्रज के आहिरियों ने चुरा लिया, तो इसलिए इसको खाना है। अब क्या करें, दाऊ को बोला दाऊ आप बछड़े को पकड़ो मैं चढ़ता हूं। वो चढ़ गए, टू इंच टू शॉर्ट, अब करे कैसे टू फिंगर्स टू शॉर्ट, इतने से बाकी है। अब कृष्ण दाऊ जोर से पकड़ो, दाऊ गले को पकड़ लिया कान छोड़ करके, और कृष्ण ऐसे एड़ी के बल पर ऐसे चढ़ गए, थोड़ा ऊंचा हो गया, और सिक्का को पकड़ तो लिया, और मक्खन लेने जा रहे थे और बछड़ा बिदर गया भागा। यही बछड़ा भाग गया क्योंकि बलदेव प्रभु उधर देख रहे थे और कस के रखा था, थोड़ा ढीला हो गया, बछड़ा भाग गया। अब एक ऊपर एक नीचे, मैया मैया, अब दोनों रोने लगे, बालानां रोदनम बलम, बच्चों का रोना ही बल है। अब दोनों रोने लगे, दोनों मैया है, क्या हो गया, अभी तो देखा था बछड़ा है नहीं, एक ऊपर रो रहा है नीचे रो रहा है, मैया नटखट उधर टांगा रहा है, उतारूंगी नहीं, अभी देखा दोनों भाई बछड़ा अभी उधर चढ़ गया। फिर किसी रोने लगे, मैया उतार। अब आते हैं फिर दूसरे लीला में, अब क्या हो, ब्रज में बलदेव तीन भूमिका है, एक है धनुकासुर वध है उसमें भूमिका, एक प्रलंबासुर वध में, एक बोमासुर वध, तीन में भूमिका अधिक है, उसमें नहीं जा रहा हूं, मार्ज अधिक सुनाएंगे। अब आते हैं अब ब्रज की लीला को छोड़ के आगे बढ़ता, अब कंस को पता चला जो भी आते हैं कोई वापिस नहीं जाते हैं, बोले काम करो इसको भेजो, बकरूर को भेजो, बकरूर को चाचा चाचा बोलते हैं, बकरूर जाएंगे तो कृष्ण बोले देवे तो कोई नहीं आएगा। ब्रज बहुत सुंदर सुंदर लीला है, उसमें नहीं आ रहा हूं। हुआ क्या, अब भेजा अप्रूव को, अप्रूव बोले कंस देखो ये विष्णु भगवान है कृष्ण, उसको मत बुलाओ। बोले रे मूर्ख, वो विष्णु भगवान तुझे किसने बता दिया। बोले देखो कृष्ण कालिया के नाग के सिर पर नथे पन पर नाच किया, गोवर्धन को 7 दिन सागर उठा के रखा। बोले टुंड वो जलचर कालिया, टुंड वो जलचर कालिया, क्या है ये, जैसे थोड़ा सांप बोलते हैं, ये बीसिन जहरीन सांप जो पानी में रहता है वही तो है, हमारे मुद्रे का छोटा बच्चा भी ये कर सकता है। और गिरिराज ये तो लोस्ट्रॉम बोलते एक मिट्टी का ढेला है, कोई मुद्रा का बच्चा ये कर रहा है, भगवान हो गया जा। तो मन सोचते क्या करूं, जाना ही है,
ठीक है इसी बहाने में तो दर्शन तो हो जाएगा आए आके नंद बाबा से मिले रात भर कृष्ण बलदेव को तताया उसका जाने के लिए बोले वो तो बाप तो माने नहीं फिर भी जैसे राजी हो गए जब लेके आए जहां अक्रूर घाट है हम जाते हैं भाद्रोल अक्रूर घाट तो रख कर के रथ में अक्रूर जी से नहाने लगे जब डुबकी लगाया तो पानी में कृष्ण बलराम है क्या बात है वो लोग के पीछे पीछे आ गए उसका रथ में है डूबते हैं उधर देखते हैं डूबते हैं क्या है इसका तात्पर्य दिखाया ब्रज के बलदेव प्रभु यानी जशोदानंदन कृष्ण और रोहिणी नंदन बलदेव ब्रज छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते वहीं से वापिस चले गए और जो द्वारका या मथुरा के बलदेव एवं कृष्ण वही रथ में आए फिर गुरुदेव दिखाते हैं जब कंस को मारने के लिए नंद बाबा के साथ कृष्ण बलदेव आए मारने के उपरांत कृष्ण बलदेव आने नहीं दे रहे थे इसमें जो दो प्रकाश दिखाया एक में नंद बाबा अकेला रोते रोते ब्रज में वापिस आ रहे हैं और एक प्रकाश में दिखाया नंद बाबा कृष्ण बलदेव गाड़ी में लेकर के ब्रज में आ रहे हैं क्योंकि ब्रज के बलदेव ब्रज के कृष्ण ब्रज छोड़ के नहीं जाते इसलिए वापिस आए फिर आके कंस को कैसे मारा आप जानते हैं फिर आते हैं द्वारका लीला में उधर द्वारक मथुरा लीला को छोड़ रहा हूँ महाराज ने बताया कैसे जरासंध वध ये सब हुआ उसमें नहीं जा रहा हूँ आता हूँ द्वारका में महाराज ने बताया था जो चतुर्भुज उसमें कृष्ण स्वयं भगवान होने पर भी चतुर्भुज के प्रधान है बल दाऊ जी यानी शंकरसन उनको दाऊ को हेड बना दिया और जीव की सृष्टि में बलदेव की भूमिका क्या है जीव का सृष्टि सब बलदेव प्रभु से है पहले जो जीव आए वो ब्रज के नित्य सिद्ध परिकर उनको जीव नहीं कह सकते उनको ब्रज का परिकर कहना पड़ेगा उसके बाद मूल शंकरसन आए आज से आए द्वारका और मथुरा के परिकर उनको भी जीव न कहकर परिकर कहना पड़ेगा उसके बाद महाशंकरसन उनसे जितने वैकुंठ तत्व है सबके परिकर उसके बाद कारण दशाई विष्णु से कुछ मुक्त जीव कुछ बद्ध जीव आए ऐसे जीव की सृष्टि है अब द्वारका में आकर के सब रहने लगे हमारे ये बता रहे थे श्रौती महाराज ये अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कैसे ये बलदेव प्रभु भीम को दुर्योधन दोनों को गदा शिक्षा दिया भीम तो बलवान है लेकिन दुर्योधन थोड़ा दाव पे अधिक जानता है इसलिए बलदेव का थोड़ा अधिक स्नेह दाव के इसके दुर्योधन के प्रति था अब सबने तो जानते हैं कैसे बदमाश है बता भांजे भांजे तुम एक काम करो आज बहुत सुंदर कुछ बनाओ बना के दाऊ जी को खिलाओ खिला के कुछ वर मांग लेना क्या वर मांगू मैं सुभद्रा हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दे बहुत अच्छा रहेगा मामा जैसे सिखाया भांजा ऐसे किया अब बहुत कुछ खिलाया बोला तो बहुत सरल सादा सीधे है दुर्योधन कुछ वर मांग लो नहीं गुरु जी मैं कुछ वर लेना नहीं चाहता क्यों गुरु जी आपने मुझे गदा सिखाया आपकी मैं सेवा की वर लेने के लिए नहीं वो नाना करे क्यों बलदेव प्रभु को अधिक आग्रह देने के लिए नहीं नहीं मुझे वर नहीं 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 तुम्हें लेना ही पड़ेगा गुरु जी मुझे वर नहीं चाहिए बहू चाहिए बहू चाहिए हाँ क्या चाहिए बोलो सुभद्रा के हाथ मेरे हाथ में थमा दीजिए तथा यही होगा अब चले गए आकर के बता दिया द्वारका में सुभद्रा की शादी मैं दुर्योधन से करूंगा ठीक है घर के बड़े भाई बड़े बेटा है कोई कुछ नहीं बोले सुभद्रा कभी दुर्योधन का नहीं चाहती अर्जुन नहीं चाहते देवकी वसुदेव नहीं चाहते कोई भी नहीं चाहते कृष्ण के कोई भी महिषिया नहीं चाहती लेकिन महिषिया तो बोल नहीं सकती जेठ है कैसे बोले अब हुआ क्या एक दिन अर्जुन को बुलाया कृष्ण ने कि तुम साधारण पति के वेश में आना आए और सुभद्रा देवी बगीचे में घूम रही थी देख करके पूछा है पथिक
तुम कहां से आए हो? बताना इंद्र, इंद्र, इंद्रप्रस्थ से? अर्जुन के बारे में जानता है? जानता तो हूं। कैसे आ रही? अर्जुन के कोई गुण नहीं है, बेकार है। देखने में सुनते कोई गुण नहीं, बेकार है। क्या बोला? निकाला चाकू, बोला ऐसे बोलेगा तो जीव काट दूंगी। इतने में आगे कृष्ण, बहन तुम सुबह का किसका जीव काटने जा रही हो? बोले दाम भैया देखो ये कितने शैतान है, ये पोथी ना होता मैं इसको जीव काट देती। बोले अर्जुन के बारे में बदनाम कर रहा है। बोले यही तो अर्जुन है, अर्जुन नहीं है। भाग गई। पहला मिलन अब हुआ क्या? अर्जुन वापिस चले गए। अब कृष्ण ने बताया, अर्जुन तुम त्रिदंडी सन्यासी के वेश में आना, और जब सुभद्रा जाएगी प्रणाम करने को अपहरण कर, लेकिन एक बात, ये घोड़े का पाकटोर सुभद्रा के हाथ में देना, वो रथ चलाएगा, तुम चलाएगी, तुम रथ मत चलाना। ठीक है, गांडी को छिपा कर रख दिया, सन्यासी बन के बैठे हैं। अब कृष्ण पूरा द्वारका में घोषणा कर दिया, ओ इतनी सुंदर एक सन्यासी आए हैं, हमारे द्वारका का कितना सौभाग्य है, ऐसे सन्यासी न भूतो न भविष्यति, सब जाओ आशीर्वाद ले आओ, मैं भी प्रणाम करके आया। तो भी प्रणाम कर लिया, दाऊ भैया के प्रणाम किया, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, आशीर्वाद दे रहे हैं सन्यासी। और दाऊ जी बोला बड़ा राजभवन चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं राजभवन नहीं जा सकता, सन्यास धर्म का विपरीत है, मैं नहीं जा सकता, नहीं चलना है, बहुत जिद किया। ठीक है, आप घर के बड़े हैं, आप जब तक जिद कर जाऊंगा तो अधिक देर रुकूंगा नहीं। ठीक है, ले आए, आके प्रसाद दिया, किया दाऊ प्रणाम किया, दाऊ की पत्निया रेवती पारुणी सब सब महिष्य सब प्राय छुआ सबको आशीर्वाद, मंगल मंतु कल्याणम भवतु। चले आए। अब सब एक एक दिन महिष ये सब दर्शन पे आते हैं। जब राजघराने के कोई दर्शन के लिए कहीं जाते हैं, साथ में एक सेना की टुकड़ी रहती है ऐसे। अब सुभद्रा आई, जब प्रणाम किया सन्यासी को, सन्यासी अपहरण करके गांडीव ले लिया, सन्यासी वेश फेंक दिया, जिस रथ से आई थी उसी रथ को ले लिया, लेके रथ हाँक दिया। अब जो सेना की टुकड़ी थी आके कता दिया, दाव दाव, वो त्रिदंडी सन्यासी नहीं था, ढोंगी था अर्जुन, सुभद्रा को अपहरण ले जाना। क्या अर्जुन था? सब सेना को आदेश दे दिया, चलो आज अर्जुन को वध करेंगे, इतना बड़ा स्पर्धा। कृष्ण को, ऐ कृष्ण चल, क्या चल, क्या तू चुपचाप बैठा हुआ है और आंख बंद करके क्या सोच रहा है? कृष्ण मनोज कुछ जानते नहीं, आकाश से गिर पड़े, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं, और ढोंगी था अर्जुन, सब अपहरण ले जा रहे, सेना को तैयार कर दिया, चल उसको मारूंगा। वो उठता क्यों नहीं तू? दाव कहा, अर्जुन सुबह अपहरण के ले जा रही है, कहा देखते तो आंख नहीं देख नहीं रहा है तू? दाव मुझे लगता है अर्जुन ने सुबह का अपहरण नहीं किया है, सुभद्रा ने ही अर्जुन का अपहरण किया। दाव रथ कौन चला रहा है? लगता है सुभद्रा चला रही है, जो अपहरण करते हैं वही रथ चलाते हैं, यह लगता है सुभद्रा अपहरण करके अर्जुन को ले जा रही है, उनका दोष क्या है? इसके मतलब से तुम्हारे दाल में कुछ काला है, आप चाहे अर्जुन को मार सकते हैं, आप सुभद्रा कितनी प्यार करते हैं, अपने बेटी के भांति मानते हैं, आप क्या चाहते हैं कि सुभद्रा, तो मन जब लग गया तो हो गया सब कुछ, अब अनुष्ठान बाकी है, सुभद्रा बीच से विधवा बन के रहे जिंदगी भर, तुम क्या चाहते हो? शादी करा दीजिए, अब मैं समझा सब तेरे खेल है, तेरी ऐसे बिगाड़ सब कुछ किया। बुलाइए, बुला कैसे शादी करे, न भूत हो न भविष्य दे, शादी कराइए, कभी ऐसे न हुआ न होगा। ठीक है, बुलाया शादी करा दिया। देखिए इसमें भी कृष्ण कैसे करते हैं, बहुत से लीलाएं हैं, हमें मथुरा जाना है, ये समाप्त कर रहे। हरे कृष्ण पंचा कल्पतरुभश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे अनुमति दे, आदेश दे, और परमेश्वर को इधर हो क्या, मैं कल में मिला नहीं, कहीं भी हो 2 तारीख को सबको लेकर के
सिद्धार्थ महाराज जी को सब ब्रह्मचर्य लेकर के नगर संकीर्तन में आना है। जैसे आप लोग को विदित है परम गुरुदेव का आपकी बार 50वां विरतिथि है, जिसका आप लोग बैनर देख सकते हैं, उसमें 22 तारीख से 30 तारीख तक उत्सव है, उसे 22 से 28 तक हरि भागवत कथा, जिनमें वक्ता में तीरथ महाराज, वन महाराज, श्रीधर महाराज और मैं भी रहूंगा, देवानंद ब्रह्मचारी। लोग बोलते भागवत इतना वक्ता थोड़े होते हैं, लोग मुझे पूछा भागवत सबसे अधिक वक्ता भागवत में होते हैं। देखिए व्यास नारद संवाद है, सुख परिचित संवाद है, विदुर मैत्र संवाद है, हिरण्यकशिपु प्रह्लाद संवाद है, कपिल देव बुद्धि संवाद है, संवाद ही संवाद है, कितने वक्ता है भागवत में। जो लोग भागवत कथा करते हैं उनके पास अधिक वक्ता न होने के कारण एक रावत का बहुत वक्ता है, भागवत के नियम के अनुसार ऐसे ही करेंगे। सब लोग आएंगे 30 तारीख को, विशेष नगर संकीर्तन है जो मथुरा इतिहास में पहली बार होगा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। इस समय जो हिंदुस्तान से बड़ा बैंड पार्टी जिया बैंड आएगा, जयपुर आगरा चंडीगढ़ बहुत जगह से आएगा, आप सबसे अनुरोध है सब आएंगे, इसको सफल मंडित करें और इसमें सेवा भी करें। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो। तीरथ माँ जी दिल्ली जा रहे चेकअप के लिए और मैं जा रहा हूँ मथुरा। हरे कृष्ण। उमा दीदी बोलेंगे, उमा दीदी अभी बड़ा देव प्रभु का चरण में तो रेडी होकर गा रहे हैं, पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। वाह वाह चक चक ये दे दिया सब बात सब दे दी सामना सब क्यों जन बस बोल गए ये मातृ का कोप ले आओ, इधर चेयर चेयर सामने ले आओ, चेयर ले आओ मातृ। हां हां पद्मनाभ महाराज आओ, महाराज महाराज आज पद्मनाभ महाराज की जय। मातृ कुथाई गए लेट कुमार दीदी आ रही ना, देखो कुमार दीदी लास्ट जीवन में पूरा विश्व को खिला दिया, एकदम टहलका मचा दिया। हाँ इसलिए कहते हैं केवल यही नहीं है, हमारे संग में सबसे अधिक एजेंट भी है 83-84 ऐसे हो। अरे कुमार दीदी भाई, अरे कुमार दीदी इतने सारे वैष्णव है, और जब उमा दीदी घर में जाते थे इतना बढ़िया प्रसाद बना देती, चकाचक प्रसाद बना के खिला देती, और वही गुण ही उन्होंने मंदिर में आकर के सारा जीवन गुरु वैष्णव। हाँ वो साधारण घर की बेटी नहीं, वो उसका पिताजी का नाम चाचा जमींदार की बेटी है। आदि थी उनके ससुराल से क्या भर भर करके मिठाई ले आती थी, उनके ससुराल से हम जब आती थी इलाहाबाद लोग देते कैनस्तर भर करके, हम लोग मुझे बहुत खाते थे मिठाई। पुष्पांजलि देंगे, अरे हमारे से पद्मनाभ महाराज जी अपने भी बोल दी बहुत बड़ी दया है सब भक्तों के लिए। जब गया बोला आप तो नया बोलेंगे बताया था, एक नया बता देता हूँ। कृष्ण प्रतिदिन और बलदेव प्रतिदिन गोचारण में नहीं जाते थे, कृष्ण बलदेव साल में दो दिन एक साथ गोचारण में नहीं जाते थे, और 11 दिन कृष्ण गोचारण नहीं जाते थे, बलदेव 11 दिन नहीं जाते थे, दो भाई एक साथ दो दिन नहीं जाते थे। जब दिन कृष्ण के वार्षिकी जन्मतिथि जन्म नक्षत्र, उस दिन दोनों भाई गोचारण में जाने के अलाव नहीं थे। जिस दिन बलदेव प्रभु के वार्षिक जन्म नक्षत्र, दो भाई नहीं जाते थे। और महीना में एक बार जन्म नक्षत्र आता है, जब कृष्ण के जन्म नक्षत्र बलदेव प्रभु जाएंगे उस दिन कृष्ण नहीं जाए गोचारण में। जिस दिन बलदेव के जन्म नक्षत्र मासिकी
बलद को नहीं जाएंगे, केवल कृष्ण जाएंगे। जिस दिन कालिया दमन हुआ था, बलदेव प्रभु सुबल को बताया, सुबल ये कृष्ण को बता देना, आज मेरा मासी की जन्म नक्षत्र होने के कारण दोनों माया के द्वारा में बदा हुआ जा नहीं सकता, वो कभी भी आज भूल करके काली हर उधर न जाए। सुबल को पहुंचने में थोड़ा देर हो गया, तब तक कूद गए थे। इसमें रूप गोस्वामी दिखाया ये
बोलो रे प्रभु का जो गुरु तत्व का जो हम लोग का जो देखा जाता है हम लोग का हम लोग गुरुदेव को वंदना करती है ज्ञान सलाका इत्यादि जो श्लोक कहती है इसमें कहा गया जो हम लोग बद्ध जी गुरुपाद पद्म में आश्रय करती हूँ उसके बाद गुरुदेव को हमारा जो अज्ञान होता है हमारा जो अज्ञान एवं हमारा जो मूर्खता इसको वो हमारा उनको उनको मूर्खता को उनको मूर्खता को उनको वो करते नष्ट करते तो इसलिए देखा जाता है हमारा हम देखते हैं बलदेव प्रभु जब कृष्ण और बलदेव प्रभु एक दिन गोचारण में गोचारण कर रहे थे उस समय उन लोग को कोई बाल सखा लोग को कुछ पेट में खूब भूख लगा तो उन लोग के बोला कृष्ण देखो हमारा पेट के अंदर तो एक असुर घुस गया वो हम लोग को खूब सता रहा है कुछ खाने के लिए तो व्यवस्था करो तो सामने तालबन था तो तालबन में उस तालबन के तालबन था किसको ना रावण कंस का कंस वो तालबन का अधिकारी था और तालबन में धेनु गद्ध धेनु का सुन माने गद्धवासु गाधा ये साधारण गाधा नहीं वो तो डोंकी का आ जाता है वो पहाड़ा देते थे कोई बाहर का रोग ले नहीं पाते तो उसके लिए वो जब कृष्ण और सखा लोग उनमें घुसने जा रहा बोलदेव प्रभु उन लोग को बोला तुम लोग रुको हम तार पर लेके आती हूँ तो उन लोग जब वहाँ तो एक ताल का पेड़ को उनको तो हिलाया इतना जो से हिलाया तो हजार हजार ताल फल का फल का पेड़ गिर पड़ा उस पर ताल गिरा है बहुत और सब बालक उठाने जा रहे थे इस समय धेनु का सुर हैको हैको करते करते वहाँ आ गया तो ये जे आके जब धेनु का सुर आया तो ये बोलते प्रभु उनको दोनों पीछे का पायल देके इतना जोर से घुमाया और सब पेड़ के एक पेड़ में रहा तो सब पेड़ धूम धूम करके सब गिर पड़ा उसके बाद धेनु का सुर मरने के बाद उनको लोग जितना उनको रिलेटिव था मैंने उनको जितना नाती पुती सब पूछा वो लोग निकाल के आके उनको बोलते प्रभु को आक्रमण करने के गया सबको उनको खत्म किया है और जितना वन में ताल फल था वो असुर का माल मूत्र रक्त से एकदम भर गया तो अभी वही ताल फल कोई खाने का जुगो नहीं था तो इसमें देखा आप धेनु का सुर कौन है धेनु माने वहाँ का दोन किए तो हम लोग का अंदर जो हम लोग जो भगवान के फूल बोलते भूल गया और उसके लिए हम लोग तो संसार में माया में फंसे हुए हैं मेरी मेरापन करती हूँ इसको जो गलापन है हमारा गुरु जी उनको दूर करते हैं तो बोलो ने तो पहले ही दिखाया एक गलापन को दूर करने के लिए वो खुद ही ये असुर को मारा और हम लोग का मंदिर में भी कुछ कपटता होता है एक कपटता का प्रतीक है परम असुर को भी उन्होंने बलदेव प्रभु उनको भी मारा था देखा जाता है गुरु तत्व इसे में जो देखा जाता है बलदेव प्रभु का बहुत से लीला है कुछ कुछ लीला अभी अभी बताया माधव माधव कुछ लीला देखा जाता है कैसे बलदेव प्रभु भगवान को सेवा करते कृष्ण का वो कौन है कृष्ण ही बलदेव प्रभु
रूप में प्रकाश हुआ। अभी ये सब बात हम लोग सुना, कैसे कृष्ण को सेवा करते हैं दस रूप में, सब रस में कृष्ण का सेवा करते हैं। और मधुर रस में गुरु जी कहते थे, मधुर रस में अनंग मंजूरी रूप में सेवा करते थे। क्यों ना हम लोग जब नित्यानंद प्रभु कीर्तन सुनते हैं, नित्य की पावे ब्रजे राधा कृष्ण आवे, तारे बोलते प्रभु नित्यानंद ही है। क्यों ना हमारे कीर्तन में बताया, ब्रजे 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 कृष्ण गौर ब्रजे बल बड़ाई नित्य, तो एक ही तत्व होने के नाते से नित्यानंद प्रभु कृपा, बोलते प्रभु का कृपा बिना हम लोग को राधा कृष्ण को जब हम लोग का जो अभिष्ट जो है उनको मिलना मुश्किल है। लेकिन डायरेक्ट रूप में नित्यानंद बलदेव प्रभु कभी इसके नहीं है, उसके लिए देखा जाता है अनंग मंजूरी रूप में नित्यानंद प्रभु को देखा जाता है। तो इसके इसलिए देखा जाता है बहुत से महा कृष्ण का लीला में कैसे कैसे सहायता किया था। जब कृष्ण रस से उतार उतार के विष्णु को मानने के लिए दौड़े, तो कैसे उनको भसन पृथ्वी को उनको भसन, तो भसन माने उनको उत्तरीय जो है वो तो बलदेव प्रभु ही है ना, उनको उनको रक्षा जमीन तो कृष्ण का मास से कांपने लगा, इसी के लिए भसन। जब मिट्टी में रखा था कि मतलब है बलदेव प्रभु उनको मिट्टी को पृथ्वी को पास दबा दिया। तो नित्यानंद प्रभु को आज सुबह हम सोच रहे थे नित्यानंद प्रभु नील वर्ण क्यों पहनते, जैसे राधा देवी नील वर्ण पहनते क्यों ना, खर्ब कृष्ण का जो उनको जो रंग है उनको जो कृष्ण का जो वर्ण है उनको नील वर्ण है, इसी के लिए महाप्रभु ये बलदेव प्रभु नील वर्ण परिधान करते, इसको मतलब और बकल नित्यानंद ये बलदेव प्रभु कृष्ण को स्मरण करते। कृष्ण का अभी अभी माता जी बोला जो नित्यानंद ये वर्ण परिधान करते हुए भी कैसे कृष्ण राधा कृष्ण का लीला का प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो हर वक्त हर तरह से बलदेव प्रभु कृष्ण का सेवा करते, दस प्रकार सेवा ये सब तो सब जानते हैं। बलदेव प्रभु हल मुसल जब धारण करते तो ब्रज में तो सिंगार, लेकिन बाहर में जब द्वारका में मथुरा में हल मुसल धारण करने का कारण ही होता है, हल आकर्षण करते हैं, मतलब खेती जीव रूपी खेती हम लोग का हृदय में जो अंधकार सब कुछ जाए, तो खेती हमारा गुरुवर्ग जो करते हैं वही बड़ोदे प्रभु अखंड और मुसल जाके जितना गंदा आएगा कुछ कूट कूट के उनको दूर करते हैं बड़ोदेव प्रभु। ऐसे ही बड़ोदेव प्रभु का चरण में मैं प्रणाम निवेदन, मैं गुरुवर्ग बड़ोदेव प्रभु मैं गुरु हमारा गुरुवर्ग नित्यानंद प्रभु का प्रकाश बड़ोदेव प्रभु का प्रकाश उनको चरण में हम प्रणति ज्ञापन करते हैं। अरे हाँ देखो देखो आप लोगों ने बलदेव प्रभु के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात सुने, आप लोग श्रवण कर रहे थे कि तत्वतः कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद नहीं रहने पर भी फिर कृष्ण ये बलदेव प्रभु रूप में क्यों प्रकाशित हुए, तो उसका कारण बताए कृष्ण अपना सेवा शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे मुझे मीठा बड़ा प्यारा है, अगर हम किसको घर में गए लेकिन उसने नमकीन नमकीन मुझे दे दिया, हाँ मैं तो खा ही लूंगा लेकिन प्रसन्न नहीं होगा, क्यों, मुझको जो प्यारा है वो मीठा है। कहते उसी तरह अभी कृष्ण को क्या अच्छा लगता है अभी कृष्ण को ही तो बताए ना, कृष्ण ही बता सकते हैं कृष्ण को क्या प्यारा है। इसलिए कृष्ण वो दो स्वरूप में कृष्ण प्रकट होते हैं, इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में बताया सवई नैव रमे नैरव नैव रमे स
उत्साह द्वितीय पैछा, इसलिए ये बृहदारण्य उपनिषद में बताए कृष्णम जब दिव्य गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे खड़े, अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है लीला करने के लिए। अभी कृष्ण सोचा हम तो ये एक स्वरूप को द्वारा में लीला नहीं कर सकता, इसलिए कृष्ण का वाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और उनको डाण अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए और श्री राधा रानी प्रकट होकर के बोले, राधा मतलब क्या है? जो कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करती है, इसलिए कृष्ण राधा रानी रूप में प्रकट हुई। फिर देखा एक स्वरूप को द्वारा एक कृष्ण से राधा रानी हो गई, लेकिन कितना हम सेवा करेंगे। फिर श्री राधा रानी अनंत कायव्य रूप में अलग अलग रूप में ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी रूपमंजरी रतिमंजरी लवंगमंजरी अनंत रूप में श्री राधा रानी प्रकटित होती है और कृष्ण की सेवा उन्होंने अनंत रूप में वो कृष्ण सेवा करती है। फिर कृष्ण का डाणंग श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते, इसलिए श्री बलदेव प्रभु आप लोग ने श्रवण कर रहे थे कैसे वो कारण दसाई गर्भत साई व्यक्ति साई हिराब्दी साई रूप में मूल संकर्षण रूप में वो भी अनंत रूप में कृष्ण सेवा के लिए वो भी अनंत रूप में प्रकट होते हैं। अब प्रकट होकर के कितने रूप में उन्होंने कृष्ण की हर धाम में कृष्ण की अनंत सेवा को करते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए हम अपना गुरु जी को हम दो स्वरूप मानते हैं, एक तो नित्यानंद स्वरूप अभिन्न स्वरूप और श्री राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय दासी रूप में हम अपना गुरुपाद पद्म को मानते हैं। बोले गुरुदेव कौन है? वो अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु का अभिन्न प्रकाश पर राधा रानी की अत्यंत अत्यंत ही प्रिय सहचरी, इसलिए श्री बलदेव प्रभु अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का जो प्रारंभ करते हैं वो एक श्लोक उच्चारण करते हैं, बोले अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर वो एक श्लोक के द्वारा उन्होंने बलदेव प्रभु और श्री महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को एक श्लोक को द्वारा स्तुति करते हैं, कहते हैं मेरे जो गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु ये और कोई नहीं, इसलिए वहां दो वचन प्रयोग किया आजानुलंबित भुजो, कहते जैसे श्री महाप्रभु का भुज हाथ जैसे आजानुलंबित है, कहते उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु का भी आजानुलंबित भुजो। बोले कनका बता दो उनका स्वरूप कैसे है? तप्त कांचन जैसे रूप है। कहता हमारे बलदेव प्रभु का भी वैसे है। बोले युग धर्म पालो, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने युग धर्म जो हरे कृष्ण महामंत्र बोले हरे कृष्ण बोले जोर से सो रहे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे और एक बार जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु भी युग धर्म को स्थापन किया, इसलिए संकीर्तन ही कपितर जैसे श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन का जैसे पिता है, मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन का पिता है, हैं? वो भी जैसे युग धर्म नवे युग धर्म पालन किया, इसलिए वो एक श्लोक में युगपद उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु और बल श्री
मैंने महाप्रभु को एक स्वरूप में दर्शन कराते हैं, इसलिए मेरे जो गुरुदेव श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु कृष्ण और श्री महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप है, वो एक श्लोक को द्वारा वो ये चीज को उन्होंने वर्णना करते, इसलिए तत्वतः ये दो नहीं एक है, देखने में एक काले और एक गोरे है। मतलब रास किसने किया है? एक रास रचया है कि कृष्ण है, लेकिन बलदेव प्रभु भी रास रचा है। राम घाट में उन्होंने बलदेव ही, और कोई दुनिया में कोई रास नहीं रचा है। एक तो कृष्ण ही रास किए और दूसरे में श्री बलदेव प्रभु रास करते। क्यों? बोले कृष्ण ही अभिन्न स्वरूप में श्री बलदेव रूप में प्रकट हुए, इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु की अपूर्व महिमा को, अपना गुरुदेव नित्यानंद प्रभु की अपूर्व महिमा को संपूर्ण उन्होंने चैतन्य नाम रख दिया, चैतन्य भागवत रख ली। लेकिन चैतन्य भागवत तो नाम रखे, लेकिन जब महाप्रभु कथा सुना रहे थे, कथा सुना रहे हैं, जब उनको थोड़ी सी हीट केवल श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव रूप आ जाए ना, उन्होंने महाप्रभु का कथा छोड़ दी, छोड़ करके केवल उन्होंने बलदेव नित्यानंद तत्व वर्णन। जब फिर होश आया, अरे ये ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत है, ये तो महाप्रभु की कथा हम बोलने जा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु को कथा तो हमने छोड़ दिए, और छोड़ करके हमने क्या किया? नित्यानंद पूरा नित्यानंद महिमा को उन्होंने पूरा कहा है। लेकिन यहाँ पर यही चीज को सिखा देते हैं, हमारी गुरु जी के चरण में कितने निष्ठा हमारी होनी चाहिए है, इसलिए गुरु निष्ठा को प्रति वो सिखा देते हैं। जहाँ गुरु जी की महिमा आए, अगर कृष्ण महिमा छोड़ भी दिया ना, गुरु जी की महिमा को ही गानी चाहिए, क्योंकि गुरु जी की महिमा से ही श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए बोले निताई करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण बावे, है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए तिनाई दृढ़ परिधर निताई रिपाए। इसलिए जब तक गुरु जी की नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरण में डायरेक्ट आते थे, लेकिन उन्होंने जितना बार आए पकड़ करके परिवार ले गए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु से मिले, बोले चोर मेरे संपत्ति को बिना बोले तुम हड़पना चाहते हो, आज तुमको हम दंड देंगे। बोले क्या दंड? भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है। बोले उत्सव भक्तों को भंडारा खिला चकाचक, भक्ति जगत में उत्सव भी एक बहुत बढ़िया दंड है। उस उत्सव है चिड़ा नहीं खिला, पास उन्होंने खूब भक्तों का वैष्णव की सेवा की, पास महाप्रभु प्रसन्न हो गए, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए, फिर दोनों चरण उनके सर पर रखे। फिर अंतिम समय में रघुनाथ दास गोस्वामी गए तो संपूर्ण उन्होंने चले गए, फिर पिताजी माता फिर वापस नहीं लाए। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक श्री बलदेव प्रभु का कृपा नहीं हो, तब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होता है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम उन्होंने ये गर्भवास को बंद करते हैं। बोले क्यों? बोले हमारी अंदर में एक कथा पढ़े है, एक कथा पढ़े। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले गर्भ वीर मातामी करी परिश्रम कार लागी एत करी ना गुची लभ्र। इसलिए कहते संसार में हम गधे जैसे काम करते हैं, इसलिए गधे में से हमारे रामचंद्र गुरु बड़ी दो कथा सुनाते हैं। बोले एक समय एक धोबी के घर में एक गधा रहता था, और एक गधा रहता था जंगल में। वो जो जंगल में गधा रहता है खूब हरी हरी घास खाता है और नदी की मीठी मीठी पानी पीता है, शरीर एकदम सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर। लेकिन जो ये जो गधा है खाना ठीक से नहीं मिलता, जो धोबी को पास में रोज पीठ के ऊपर में जितने गंदे कपड़े को लद करके ले जाते और डंडा मारते थे, खाना पीना ठीक नहीं। अभी जो रहता था जंगल में जो गधा हृष्ट पृष्ट, बोले तू क्यों यहाँ पीठ पर काम कर रहे हो, मेरे साथ में चलो ना, खाओ के मस्ती से पियो के पानी नदी का पानी और हिस्टे पृष्ठ हो जाओगे। बोले मैं आऊंगा, जब जब देखते हैं, बोले चलो ना, बोले आऊंगा। एक दिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गए, बोले धीरे धीरे दुबले पतले होते जा रहा है और धीरे 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 है इसका तबियत खराब, लेकिन जब देखो बोले आऊंगा आऊंगा, वो आ सकता क्यों नहीं आ रहा। एक दिन उसने मन में कुछ डाउट हो गया, बोले बात क्या बताओ तुम, तो क्यों आना नहीं चाह रहे? बोले एक अंदर की बात है। बोले भैया क्या अंदर की बात है? बोले देखो ये जो धोबी है ना, उसकी एक बेटी है,
एक दिन क्या हुआ उसको बेटी ने वो कपड़े को प्रेस करते करते वो कपड़ा जल गई। जब जल गया वो धोबी ने कहा देख बेटी हाँ अगली बार अगर तुमने ये कपड़ा को जला दिया ना गद्दे को साथ में तेरे को शादी करा दूंगा, ये गद्दे को साथ में तेरे को मैं शादी करा दूंगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ कब दो बार अपना कपड़ा को जला है और अपना बेटी को मेरे साथ में शादी करा दूंगा, कब मेरे साथ में शादी किसी इंतजार में रख। देखो ये संसार ठीक वैसे ही संसार, हम क्यों संसार में इतना बोला गद्धे बतामी करी परिश्रम कार लागी है तो करी नागुच लग रहा हूँ। भैया किसके लिए तुम कर रहे हो, कौन किसका है, कब तक किसी जीवन रहेगा संसार में देखना। दिन भर कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई धंधा से दुखी, कोई सांस से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई मन से, कोई तन से, संसार में दुखी दुखी है और कुछ है ही नहीं। जिसने दुनिया बनाया वो खुद कहता है ये दुखा लय असास तुम, बनाने वाले कह रहे हैं ये दुख का घर है लेकिन हम वहां सुख लूट रहे हैं। सुख की किस लिए संसार में पड़े हुए। एक समय एक गुरु जी ने उसको किस शिष्य को बोला, बोले चले ये घर किसका, बोले गुरु जी आपका ही है। बोले ये दुकान किसका, बोले गुरु जी आपका ही है। बोले ये मकान किसका, बोले गुरु जी आपका ही है। बोले ये बच्चे किसके, बोले आपकी है। बोले ये बीवी किसकी है, बोले ये बीवी किसकी है, बोले ये मेरी है। ये मेरी गुरु जी आपका नहीं, ये मेरी है ये। इसलिए केवल एक सुख के लिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं हैं, केवल एक सुख के लिए संसार में सारे डंडे सारे अपमान, संसार में सबका सेवा हम करते हैं। आप बताओ अभी तो किसको खुश कर पाए, बीबी को खुश कर पाए ना, बेटे को खुश कर पाए ना, पति को खुश कर पाए, अभी तो किसको खुश कर पाए हैं, बताओ किसको खुश कर पाए, किसी को खुश नहीं कर पाए। दिन भर संसार का काम करो, संसार में काम करो, बाहर का काम करो, सबका डंडा खाओ पड़े। इसलिए रामचंद्र की कथा बोलते थे बोले केवल एक सुख के लिए सारे हाँ सारे दुख को हम मोल लेते हैं। रामचंद्र दूसरी कथा सुनाते थे बोले एक समय किसी धोबी ने घोड़े को ले जा रहे थे पहाड़ के ऊपर, लेते 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 गधे को ले जा रहे थे, लेते लेते वो रस्सी लेना भूल गए। एक गांव में पहुंचा तो सोचा मैं तो रस्सी लाना भूल गया, मैं बहादुर कैसे, पास में कोई साधु थे, साधु के पास में गए, बोले साधु बाबा मैंने रस्सी लाना भूल गया गधे को पैर में बांधने के लिए, हमें तो गधा कहीं भाग जाएंगे। बोले गधे को बांधना ना मैं बांध देता हूँ, बोले रस्सी का, बोले रस्सी की क्या जरूरत है। उसने आया साधु और ऐसे ऐसे हाथ उसको पैर को नीचे घुमाया और पेड़ में जैसे बांधते ना ऐसे ऐसे घुमा दिया और सब कुछ रस्सी वैसे कुछ नहीं, सब घोड़े को पैर को जैसे वो बांधता था रोज ऐसे किया और पेड़ में बांध दिया और घोड़े जहाँ के तहाँ खड़े न गधे जहाँ के तहाँ खड़े, जब खड़े वो हिले ही नहीं लेकिन पैर में कोई रस्सी है वो हिल नहीं रहा। अभी सवेरे हो गया जब उसको लेने के लिए कोशिश किया, अभी गधा को मारे चलो लेकिन गधा चले ही नहीं, वो गधा चले ही नहीं वहां से। बोले भैया ये क्या हो गया, ये गधा चलने क्यों रहा, जितने मारे गधा चल नहीं रहा है। बोले भैया ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है। पर वो साधु के पास में गया, बोले बाबा वो गधा चल ही नहीं रहा है। बोले प्यार ने रस्सी खोल दिया, बोले रस्सी है कहाँ, प्यार में रस्सी तो है ही नहीं है, रस्सी तो है ही नहीं लेकिन बोले प्यार तो मैंने रात मैंने बांधा था ना, बोला नहीं। बोले आपने कहाँ बांधा था, ऐसे ऐसे तो झूठ मूठ का घुमाया था। बोले तो यही तो बांधा था इसलिए तो भाग नहीं रहा है, इसलिए तो जा नहीं, चलो मैं खोल देता हूँ। उसने आया और ऐसे ऐसे बांधा था ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके सबको प्यार में खोल दिया तो फिर गधे चलने लगते। हाँ देखो किसी को सिखा देते ही। ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में दो उदाहरण दिया है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई बंधी बरकट कीट न्याय। गोस्वामी तुलसीदास अद्भुत उदाहरण दिया है, बोले जीव कौन है, बोले जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही संतान है, वो अमल है, वो चेतन है, वो सुख का राशि है लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट कीट नाय। वो दो उदाहरण दिए,
गुरुदेव ये कथा सुनाते थे, बोले कैसे जीव कैसे संसार में बंधे हुए। पहला नंबर दिया बंदर, अब बंदर को अब जो पकड़ता है बैल या दूर से बंदर को दिखा दिखा करके एक मटकी को तो मिट्टी में गाड़ देता है। वो जो मटकी होता है, जो कलसी, उसका मुंह उतना बड़ी होता है जितना बड़े से केवल उसका हाथ ही जा सकती है। और उसको दिखा दिखा करके उसको सामने कोई आलू नहीं तो कोई फल रख लेगा और वो हट करके दूर में जाकर बैठ जाएगा। बंदर ने देख लिया उसके अंदर में आलू नहीं तो फल डाले, वो बंदर वो जाते ही छलांग लगा करके आएगा और उसको अंदर में हाथ डालेगा। लेकिन हाथ तो केवल अंदर में जा सकता है, लेकिन जब पकड़ लेना उसका हाथ हो जाएगा ज्यादा। जब वो पकड़ निकालना चाहेगा वो निकलेगा नहीं, क्यों? उसका हाथ पहले छोटा था चला गया, लेकिन पकड़ लिया आलू है ना, उसका हाथ हो गया मुट्ठी ज्यादा। जब वो निकालना चाहता है और वो हाथ निकलेगा नहीं, लेकिन उसको ऐसे महसूस होता है जैसे हमें कोई अपना हाथ कोई जोर जबरदस्ती पकड़ कर रखता, लेकिन पकड़ा नहीं। फिर वो चे चे टे करने लग जाता है। फिर वो बहेलिया आता है, आकर के उसको गले में फांस लगाता है, फांस लगा कर पकड़ करके डंडा मार मार करके बंदर नच नचाते। वो स्वामी तुलसीदास उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं हम संसार कैसे छोड़े, मेरे बीवी पकड़ लिया, बच्चे हैं, पिता माता है, हम कैसे संसार छोड़े? बोले तेरे को किसने नहीं पकड़ा तो स्वयं पकड़ करके रखे हो। तेरे को दुनिया में अगर तू मर जाओगे दुनिया नहीं चलेगा, बढ़िया से चलेगा, मर करके देख लेना संसार चलता कि नहीं। तू सोच रहे हो मेरे वजह से संसार चल रहा है, उसकी वजह से चल रहा है, तेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। कहते ना उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलती है, सब कुछ उसी की इच्छा से होता है, हैं? तेरे इच्छा से कुछ नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लिया, महाराज जी कह रहे थे महाप्रभु किसी अवस्था में संन्यास लिया, पहले उनको पिताजी, उसको पहले बड़े दो भाई थे, एक भाई पहले सन्यासी हो गए, उसको बाद में पिताजी थे उनको भी भगवत प्राप्ति हो गई, घर में एक पत्नी पत्र 16 साल के विष्णु प्रिया और एकदम पूरी मैया घर में और कोई है नहीं। उसी अवस्था में ही महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करते हैं, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण चरण में महाप्रभु कृष्ण चरण में शरणागत होते हैं। वो शिक्षा देते हैं भगवत जगत में सबसे बड़ा अगर कोई कर्तव्य है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ नहीं। कृष्ण फिर कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे चरण में आ जा, कद पाप लगेगा? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ते मेरे को सारे पाप से तेरे को मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए बंधी मरकट की न्याय, तेरे को कोई नहीं पकड़ा हुआ, तू स्वयं पकड़ करके रखे हो, तेरे को लग रहा है जैसे हमें कोई पकड़ ले, तेरे को ही नहीं पकड़ा, खुद पकड़ लिया, तू छोड़कर देखना घर को, छोड़कर देखना। दूसरे उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता, जो तोते को पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? आप लोग ऐसे एक बांस का नली होता है ना, उसको बीच में एक लकड़ी होती है और उसको ऊपर में ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके यहाँ पर फल लटका देता है वो बहेलिया, और किसी पेड़ के ऊपर में लटका देते हैं, लटका देने पर वो तोता आएगा, आकर के जब उसको ऊपर बैठेगा और फल खाने जाएगा, लेकिन वो अंदर में एक लकड़ी और बांस है, बोलाकर पकड़ते ही वो झट नीचे लटक जाता है तोता, झट जब नीचे लटक जाता है, लेकिन तोता को ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ कर रखा, लेकिन उसका हाथ कोई नहीं पकड़ा, वो स्वयं पकड़ा। फिर तो तोता टे करना शुरू कर देता है, वो बहेलिया आने पर भाग नहीं पाएगा, क्यों? उसको लगता है मेरे को कोई पकड़ा, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ करके रखा है, वो खुद पकड़ कर रखा, वो बहेलिया आएगा गले में फांस लगा करके बस बाजारा में लेकर के पिंजरे में आबद हो जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते ठीक उसी तरह हम भी इसी संसार में फंसे पड़े हुए हैं, हमें कोई नहीं पकड़ा, नहीं हम बेटा पकड़ लिया, हम नहीं जाके तो बेटा क्या करेगा, बेटी क्या करेगा, पत्नी क्या करेगी? भैया तेरे को किसी ने दुनिया में नहीं पकड़ा, तो मुक्त आकाश में उड़ते हुए प्रभु का भजन कर सकते हो, लेकिन हम संसार में बंधे पड़े हुए, लेकिन इस जाल को हमें कौन निकालने वाले हैं? कहते केवल श्री नित्यानंद प्रभु गुरुदेव है। इसलिए बोले संत एवास छिन्दंती मन प्यास संग उक्ति भी, इसलिए जो सतगुरु जी की जो कथा होती है वो तलवार जैसे होता है, वो तलवार के द्वारा हमारे सारे बंधन को काट देते हैं।
इसलिए बोले नित्ता ही करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण भावे, केवल नित्यानंद प्रभु कृपा से, श्री बलदेव प्रभु कृपा से ही ये संसार का बंधन हमारी समाप्त हो सकता है। इसलिए उनका नाम बोले बलदेव है, किस चीज के बल देने वाले, किस चीज के बल के अधिष्ठात्री देवता, बोले भगवत भक्ति बल के, बल जो हमें प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सत्वृत्ति सर्वभिर्भक्ति प्रसिद्धति। ये छह चीज भजन करने के लिए, ये छह चीज हमारे अंदर में आनी चाहिए, लेकिन ये छह चीज को देने वाले कौन, श्री बलदेव प्रभु श्री बोले। इसलिए बोले एकाकी आवार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दानी। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते क्या कहते हैं, बोले संसारे रफार हैया भक्ति रसागरे, जे डूबी बेसे भजो का नीताई चांदे। इसलिए जब श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा होगी, तब संसार से पार होकर एक दिन हम भक्ति रस समुद्र में स्नान तभी कर सकते हैं जब श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु का कृपा होगा। इसलिए आज बलदेव प्रभु का जन्मतिथि है, जन्मतिथि में जो मांगो ना खुश हो रहता ना, जन्मतिथि में जो मांगो वही दे देते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपकी कृपा नहीं होगा ना, जब तक बलदेव प्रभु गुरु जी की कृपा नहीं हो, हम कभी भी ये संसार का बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हम तो बता दिया है ज्ञान की बात है, लेकिन जो विज्ञान है ना, जो कृपा है, हाँ बोलना तो बहुत बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। जीवन में तभी उतारेगा जब सचमुच से निष्कपट होकर के हम प्रार्थना करेंगे, हैं। लेकिन हमारे अंदर में निष्कपटता होनी चाहिए, तभी वो कृपा कर, कपट युक्त होकर करेंगे तो कृपा नहीं करेंगे। ऊपर से एक बोलते हैं गुरु जी को, लेकिन दूसरे चीज अंदर में रख करके बैठे हुए दूसरे चीज, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं हम तो साधु है, फिर अंदर में वो कृपा नहीं करेंगे। तुम्हारी बाहर भीतर दोनों एक ही होनी चाहिए, तभी कृपा होगी, हाँ। नहीं तो ऊपर से ये ले लिया, लेकिन अंदर में और कोई सोच कर कब बैठेगी, हम तो और कोई सोच कर नहीं, इससे नहीं। सचमुच से निष्कपट होकर हृदय से अगर श्री गुरु जी नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करेंगे, फिर वही संसार के बंधन हमारी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आज इनकी जन्मतिथि, आज वो सबको ऊपर भी कृपा करे, एक दिन ये संसार रूपी जो माया के बंधन से हमें मुक्ति मिले और ठाकुर जी के चरण में हमारी प्रीति हो। अभी हमारे श्री पद्मनाभ महाराज जी आपको कुछ प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे। श्री पद्मनाभ महाराज जय श्री बलदेव प्रभु की जय। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरधिषे नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलोकल्मषनाशाय जानवपतये नमः।
Nityananda maham naomi sarvananda karam param harinama pradam devam avatuta shiromani panchatatvatmakam krishnam bhakta rupa sarupakam bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam he krishna karuna sindho dina bandho jagatpati gopesha gopika kanta radha kanta namostate chapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari rishabhanu sute devi pranamami hari priye vrindai tulsi devai priyai keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satya Vachai Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sabai Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare First of all, I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Gurudev. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astotarasata Sri Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Then I'm offering my same unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Ashtotarasata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Ashtotarasata Sri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And my Dandavat pranams to all my Sri Sri Rupanuga Guru Varga. My Dandavat pranams to all the Vaishnavas, all the Vaishnavis in this auspicious assembly on Sri Baladev Purnima morning. So in the Shastras it is telling, Nayam Atma Balahinena Labhya. There's a very significant statement. Nayam Atma Balahinena Labhya. This means, without Bala, without spiritual strength, it is not possible to realize anything in spiritual life. Already, speakers have told this. Srimati Umadidi also mentioned this. That physical strength has no meaning in spiritual attainment. If that were the case, then the very powerful wrestlers, they would be enlightened, transcendental personalities, but we don't see that. But strength is necessary, bala, spiritual power. No one can become self-realized. No one can even realize the Atma. What to speak of Paramatma, what to speak of Bhagavan, what to speak of Swayam Bhagavan, Sri Krishna. Even the very first step in spiritual
spiritual attainment and spiritual knowledge, which is called Atma Gyan. No one can even begin to enter that area without Bala, without spiritual strength. So, it is very significant to understand this point about Sri Baladev Prabhu, Balaram, because he is the original source of all spiritual strength. Where does that spiritual strength come from? It comes from Sri Guru. It comes from Guru Tattva. And that Guru Tattva, it is Baladev Tattva. Baladev is the original Guru. What is the activity of Sri Guru? What is his purpose in this material world? Sadguru. He has only one purpose, and that is to lead all the conditioned souls who have forgotten their relationship with Krishna since time immemorial to lead them to the lotus feet of Krishna and engage them in Krishna's eternal service. That is the only business of Sri Guru. He has no other purpose in this world. So, the principle of Sri Guru is ultimately, it is the manifestation of the complete, absolute mercy of the Supreme Personality of Godhead Himself. Mercy. So Sri Guru is sometimes called Krishna Kripa, Sri Murti. He is the embodiment of the mercy of the Supreme Lord Sri Krishna. If you want to see God, everybody in the material world, they're wondering, is there a God? Should I believe in God? Is there a supreme being, a supreme controller? But with our material eyes, we cannot see this. And with our material polluted intelligence, we cannot realize and understand this either. But the Supreme Lord Himself, He descends before the eyes of the conditioned soul. When He comes in the form of Sri Guru, that is God Himself. Sakshad Haritvena Samashta Shastra Ruktastata Bhavyata Eva Sadabi Kintu Prabhuya Priya Ivatasya Vande Guru Sri Charanada. Sakshad Haritvena. What is the meaning? Sakshad means directly. Sakshad. Not indirectly. Directly. He is Hari. How is that? It's a very mysterious principle. How Sri Guru is God Himself. Sakshad Hari. Very mysterious principle. But where does it originate? It originates in God Himself. And who is that form? Baladev. Because Sri Krishna, Swayam Bhagavan, Ekala Ishwara Krishna Arsam Vritya. There is only one Supreme Ishwara. Ekala Ishwara Krishna. That is Krishna Himself. Arsopritya. Everyone else that exists, they are servants of Him. Everything is happening by His supreme will. And He is Rasovaisaha. He is made of rasa.
everything that he does is for tasting rasa. So all of his expansions, his personal svamsha expansions of various types, they are all his lila for tasting rasa. This is all that Krishna does eternally. He is always simply tasting rasa. Because he is a Kila Rasamrita Murti. He is the embodiment of all rasa amrita. So therefore, Krishna, by his will, he expands himself to accomplish this. But first of all, he becomes Baladev. Balaram is actually Krishna himself. He is not anyone other than Krishna. He is exactly Krishna. What is the proof? Oh, Sridhar Maharaj just told, I was going to mention, but he already mentioned. The proof is that Sri Baladev Prabhu came to Braj to appease the extreme separation mood of all the Brajvasis, and particularly the Brajagopis. And Baladev Prabhu, he performed what no other incarnation or expansion of the Lord can do. Not Lord Ramchandra, not any other Das avatars, Leela avatars, Guna avatar, no one can do what Krishna can do, and that is called Rasleela. But Baladev can do. Is there any place in all of the Shastras, in all the Vedic literatures, where there is anyone else who is authorized to perform Rasleela? Never. No one has dared. No avatar, even. Of course, foolish conditioned souls and mayavadis who want to imitate that I am God, I am Bhagavan, they will also make some mimicry of Rasleela, which is nothing but a very, very severe offense. And for this they go to hell. But Baladev Prabhu, he actually is also Rasika Shekhar, like Krishna. And he also dances ras. That was cited by Vrindavan Das Thakur as the proof that he is not different than Krishna. But at the same time, he also has some difference. And that difference is very important. And it is also very fortunate for us. Because now God has become the servant of himself. And why? So that he can taste the rasa. Prem ras niryas koriteya svadam. So that God himself can taste this rasa of himself. So he becomes Baladev Prabhu. He becomes Baladev. And he becomes the supreme personality of servitor Godhead. This is the term used by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And my Guru Maharaj also used this term. Supreme personality of servitor Godhead. Because the Supreme Godhead, Sri Krishna, is the Supreme Enjoyer. And he is Vishaya Bhagavan. He is the object of all prem. But when he himself wants to taste this nectar of prem ras from the position of the servant, from the position of the ashraya, now he expands as Balaram. And even though he is Vishaya Bhagavan, as Krishna is, that's why he can dance ras, because he's Vishaya Bhagavan. But as in the mood
of service. He now renders service to Krishna in every single rasa. All of the five primary rasas, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, Baladev Prabhu, we've already heard this. He expands himself in various forms and takes on various moods to serve Krishna. And as the elder brother in Braj, he is serving Krishna in Vatsalya mood also, looking after him. He is serving Krishna in Sakya mood also, like a friend. We heard the pastimes, how they were always together from their early childhood, from their birth. One point I wanted to make, I don't know if anyone made this point earlier, is that Srila Gurudev was explaining that it is told, actually in the Garga Samhita, which is authorized literature, but it is told that Baladev Prabhu, he took birth 1 year before Krishna, before Krishna's appearance. But Gurudev said, no, this is not possible. Why? Because if he had taken birth 1 year before Krishna's birth, then he would have been 1 year older than Krishna, right? And as they're growing up, he would have been so much bigger, and they would not have been equal. So they could not wrestle with one another and play so many wonderful childhood pastimes together like this. So that cannot be the fact. Definitely, Baladev Prabhu took birth on this day, and 8 days later, Krishna appeared. So they're only he's 8 days older than Krishna as the older brother. Just wanted to mention that because it's a very important point. So sometimes in the Vedic Shastras, there are some statements, sometimes they may pertain to another kalpa like this. But at any rate, Gurudev said, no, not just Gurudev, Srila Jiva Goswami is the one who explained this. So in this way, Baladev, he enjoys his rasa with Krishna, and Krishna is enjoying with Baladev. And they are always together. They're always together. But because Baladev Prabhu is the older brother, and in Vedic culture, there is particular etiquette, maryada. So Sri Krishna, when he is going cowherding with Baladev Prabhu, then there comes a certain time in the day when Sri Krishna now is given the various signals how he will gradually go away from the whole group of the sakas, and he will go through the forest alone with one of his Priyanarma sakas, and then gradually, he will come to meet with Srimati Radhika and the gopis. But Baladev Prabhu, at that time, he always remains with the cowherd boys. And he takes them cowherding and plays so many pastimes and leelas, and as the cowherd boys play so many games and so forth, until Krishna again comes back and reappears. So if Baladev did not perform this function, then what would happen with all the cowherd boys if Krishna was going? Because even if Krishna goes out of their sight for a few moments, we have read this in the 10th canto of Bhagavatam, they immediately feel so much separation mood for Krishna. But Baladev stays with them, and then the cowherd boys can go on with their leelas for so many hours, especially Madhyan Leela. And then Krishna is tasting rasa. So Baladev assists in this way. And in Gaur Leela, Baladev Prabhu expanded as Nityananda Prabhu, he is assisting Chaitanya Mahaprabhu in a somewhat similar way. He's also older in his manifestation as Nityananda Prabhu. And he is definitely the brother of Gauranga. These two brothers, Gaur and Nitai, even though they took birth in separate areas and a number of years apart, but as soon as Nityananda Prabhu appeared in Navadvipa Dham,
As soon as he appeared, and as soon as he had the darshan of Mahaprabhu, and Mahaprabhu met Nityananda Prabhu, immediately they embraced one another and went into ecstasy and fainted on the ground. And then there was a whole manifestation of kirtan ras, and how Nityananda Prabhu became so ecstatic and just crashing to the ground and jumping in the air, and everyone was frightened that he was going to break all of his bones. But from that moment on, they were inseparable. So in this way, when Mahaprabhu was dancing in Jagannath Rath Yatra, and also in his Navadvip Leelas, and he's completely absorbed in Radha Bhav, and he's feeling the separation mood, and he's also crashing to the ground and jumping in the air, oh, Nityananda Prabhu is there to catch him, because he is all powerful. So in this way, Baladev Prabhu, he is called Akhanda Guru Tattva. And all of the manifestations of Godhead that even exist in the entire creation, from the spiritual world all the way down to all the material universes, and at the bottom of the whole material universe, as Baladev is there as Ananta Shesh, supporting everything. Srila Gurudev, on this day, Baladev Purnima, he would say, Baladev Prabhu is the supreme existence potency. All existence is resting upon him, spiritual and material existence. We already heard that he is the predominating deity of Sandini Shakti potency. Yeah? Sat Chit Ananda. And he is Sat. Sat means existence. So nothing can exist. Nothing would exist if Baladev Prabhu were not manifested from Sri Krishna. He performs all the work of creation as he expands. It's very fascinating, actually. Although it's very, you know, deep tattva, the expansions of Godhead. But it's very essential for the Gaudiya Vaishnavas to understand this. That is why Chaitanya Mahaprabhu spent so much time telling in so much detail to Srila Sanatana Goswami all of this tattva, exactly how the Lord expands, and how the 24 forms of Vishnu, and it manifested in all the Vaikuntha planets, and there's infinite Vaikuntha planets, and on every Vaikuntha planet there's a manifestation of Vishnu of Narayan forms. But originally all coming from Baladev Prabhu, who becomes Mool Sankarshan in Dwarka, and then expands himself as Maha Sankarshan along with the Chaturvyuha, first Chaturvyuha, second Chaturvyuha, then all the Narayan forms that are there in the whole spiritual world, they are all expansions of those Chaturvyuha. And then from the Mahasankarsha in Vaikuntha, now Baladev Prabhu expands himself as Karnadakashai Vishnu, who begins the process of Srishti Leela, creation. That is what most other religious conceptions mostly focus on. God is the creator. Like in Christianity, Muslim, so forth. God is the creator. But this is a very, very, very far removed expansion, actually, of Swayam Bhagavan, who is the enjoyer. Sri Krishna is not doing the creating. He's just there in Braj enjoying. Balaram does all the work. And from that Karana Dakshai Vishnu, Mahavishnu, we are coming. Which we, the Tatastha Jivas. Gurudev explained, he is the father. We are coming from there. In the Nitya Dham, oh, they are expansions. Also, for the Nitya Siddha,
Padikar of the Supreme Lord. They are always there, but we are in the second category. We are the Tatastha Jivas who emanate from the potency of Mahavishnu. That is why if someone says that we fell from Goloka Vrindavan to this material world, they are very, very wrong. That's a big, very big confused point amongst certain sections of the Gaudiya Vaishnava community. But really, there is no proof at all. And the fact is that according to Dasmul Tattva, there are two types of jivas, and we are in that category. So, having turned away from the Supreme Lord and forgotten our relationship with Him, Krishna Bhuli Sejeev, Anadi Bahirmukha, Anadi Bahirmukha, from time, beginningless time, we are Bahirmukha. There is also reason for this that sometimes confuses the devotees. why we're in this category, why we fell, why we turned away, all of these things. But in Jiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explains, very simple, because Krishna's lila moy, that's the answer. Everything exists the way that it does because Krishna is lila moy. He's absorbed in lila. This is one of his lilas. What is that? To rescue the conditioned souls, to give them mercy, because Krishna happens to be the ocean of mercy, unlimited ocean of mercy. Hey Krishna, Karuna Sindhu. And he is the source of all compassion. So if there is not a recipient for Krishna to exercise, to demonstrate his merciful nature, that means some entity who is very, very downtrodden, very weak. If that person is not there, then how Krishna can perform this pastime? So, this is one reason why when the Uttam Mahabhagavats come into this world and they're manifesting as Uttam, their consciousness is absorbed in the highest realization of the Lord. But in that condition, they see their Supreme Lord manifested everywhere. Sarva Bhuteshu Yat Pashyat Bhagavat Bhavam Atmanaham. They see only their Ishtadeva everywhere. And they see that all are serving, all are properly situated. So therefore they don't preach, because everything is going on perfectly according to the will of the Lord. So in this way, when Krishna wants to give his unlimited mercy to the conditioned souls, he personally descends into this world and manifests his Brajlila pastimes. He personally comes and manifests so many avatars and incarnations and lilas that when the conditioned souls hear about these pastimes, they become attracted to the Lord. They become liberated by hearing Krishna Katha, by hearing Bhagavad Katha. But the ultimate manifestation of Krishna's mercy is when he comes in the form of Sri Guru. And that is why Uddhava told at the very end of the Uddhava Gita in the 11th canto, Naivo Payanti Pachitam Tavayastavesha Kavayastavesha Brahmayushabi Kritam Riddha Buddham Smarantam. He told that, even if the greatest kavis, the greatest poets could express themselves and their gratitude towards you,
Even if they could do that for an entire lifetime of Brahma, and we know how long is Brahma's life, even if for that whole trillions of years of Brahma's life, they continuously tried to express their gratitude to you, they would never be able to completely accomplish this task. Why? Because you descend in this world in two forms. You descend as Antaryami, the Super Sumo, without which the jivas would never have any chance in this world of attaining their relationship, because that manifestation of Baladev as Kirodakshai Vishnu in the hearts of all living entities is Guru. And when the jiva wants to come, he wants to understand God, his relationship with the Lord, then Krishna in the heart knows this as Sri Guru, Antaryami. And he leads the conditioned soul gradually to Sadhu Sangha. But the second manifestation, even more merciful, because now he comes as Guru, Guru Tattva. And now the conditioned soul, for the first time, with his eyes, is seeing God, because Guru is not different. But at the same time, Guru never says, I am God, but only I am the most menial servant of my Guru. And this principle of Guru Tattva is eternal. No one can approach the Supreme Lord without his mercy. No one at any time can approach Bhagavan without surrendering to Sri Guru, because it is not possible to attain transcendental knowledge without Sri Guru. Tasmat Guru Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttam. Therefore, one has to surrender to Guru and inquire from him, what is my ultimate well-being? Shreya Uttam. And that Guru is highly qualified, because he's Sakshat Hari. He has all realization. He has all realization of Shabda Brahma and Param Brahma. And he is completely detached from anything in this world. So that is Bhagavan coming to save the conditioned souls. And he becomes like the father, the very loving and affectionate father. And he brings up the baby, the child, very lovingly and affectionately, and gradually molds them, and gradually helps them to develop, just like a father raises the child, and very diligently, always looking after their well-being. Sri Guru is exactly like this, and millions of times more, and millions of times more affectionate than millions of mothers. Because he is directly Sakshat Hari. But he is the devotee. Kintu Prabhuya Priya Eva Tasya. Although he is Sakshat Hari, he has his devotee side. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj said he has two sides, his divinely inspired side and his devotee side. And from the position, if he did not have his devotee side, how we would be able to approach him? Because he comes and speaks with us and interrelates with us directly. So this is the agent of the Lord. And therefore, Uddhava told, this is your greatest mercy, your greatest manifestation, and no one could ever begin. All the greatest poets could never express, even if they tried, for a lifetime of Brahma. So, in this way, Baladeva Prabhu is the original Guru Tattva. He is the origin of all existence. He is the source of all incarnations. He is the elder brother of Sri Krishna, and he is actually Sri Krishna himself. Therefore, my Guru Maharaj, Srilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he established this Krishna Balaram Mandir in
Some people say that, oh, this is a symptom that actually he's in Sakyaras like this. No, he didn't say that. What did he say himself? Why was he establishing in the center altar Krishna and Balaram? Because generally you would think, oh, in the center altar will be Radha and Krishna. Right? But no. He himself told, we are establishing this temple, and on the first altar is Gauranga and Nitai. And on the next altar is Krishna and Balaram. Why? So that the whole world can know that these two persons, Gauranga and Nitai, are Krishna Balaram themselves. And by knowing that, and by serving Gauranga Nitai, then one can enter into Braj Leela and serve Radha and Krishna. So in this way, Baladev Prabhu is our best friend. And he is so worshipable by us, by all living entities. And if the living entities try to bypass him, they will never be successful. It's already been quoted in Narottam Das Thakur so many times, that without Nityananda Prabhu, Braje Radha Krishna Pabe, one can get Radha and Krishna only through Nityananda, only through Baladev. And therefore he also manifests himself in Braj Leela as Ananga Manjani. Very special manifestation. So much time has gone. Everybody has been sitting for many hours. I guess this is the end of the program, or is there more speaking? I don't know. Who's directing? You want to speak? Okay. So Vishnu Daivat Maharaj will speak some more. I'm paying my Dandavat Pranams at the lotus feet of all my Sri Rupa Nuga Guru Varga and all of the Nitya Parikar of Sri Gauranga Nitai and all the Braj Nitya Parikar and especially Sri Baladev Prabhu, and praying on this day, because we just heard that it's his birthday, and on their birthday they like to give. So I'm praying that Sri Nityananda Prabhu can plant, Baladev Prabhu can plant his lotus feet eternally in my heart, never, never budging at all, and constantly protect me from all of the tremendous contamination of this Kali Yuga, and use his plow to plow my heart so that the seed of bhakti can grow in my heart, and one day I can become attracted by Baladev Prabhu's help to the beautiful flute sound of Sri Krishna. Gaur Premanandi. Sri Baladev Prabhu ki jai. Balaram Prabhu ki jai. Vancha kalpataruvascha. Kripa sindhu vyevacha patitanam pavane pyo vaishnava. Guruve Gaurachandraya, Radhikaya Dadale, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tadbhaktaya Namonama. Sarvatham, first of all, our obeisances to Asmati Guru Path Padmanitala, Purushtaja Guru Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Our obeisances to all the 20 sannyasis headed by Shishimad Bhakti Vedanta Padmanabha Maharaj. And all the Vaishnavas and Vaishnavas are gathered here, please accept my humble obeisances. So, today is fast till 12 o'clock. So, the only rasa that is available till 12 o'clock is the Harikatha, Harina. You cannot take fruit juice also till 12 o'clock. So, either way, if you go anywhere, you'll still have to be hungry. But, there is so much rasa in Harikatha. Different Vaishnavas are speaking. So, I would like to glorify Sri Balaram Prabhu for my own purification. Sankarshana karana toyashai garabhodi chai shashirodi chai sheshashashram sa kalasa nitya nandakhyarama sharanam mamastu.
Sridhar Maharaj was telling that Yasyam Shamshar Shila Garbhot Shai Yad Nagab Jam Loka Sanghat Nalam Loka Srashtu Sdika Dhamadatus Tamshi Nityan Dhamam Sharanam Prabhati Loka Srashtu Sdika Dhamadatus. Sdika means maternity home. Basically, in every Brahmanda, Garbhodaka Shai Vishnu enters. And he fills half the Brahmanda by his sweat. And from his navel comes a lotus. In that lotus, the ingredients to manufacture 14 plants are present. So you can imagine the greatness of Sri Balram, Sri Garbhodaka Shai Vishnu. But the smallest fraction of that Nityananda is Shesha. What does the word Shesha mean? Shesha means when this entire universe is annihilated, whatever remains behind, remainder, is called Shesha. He has 1,000 mouths. And in 1,000 mouths, he has 2,000 tongues. Because the snakes have two tongues. Their tongues got bifurcated. Sapo ki do jibha hoti. Sapo ko tri jibha kaha jata hai. To Anand Shesh ji jo hai, 1000 mukho mein, 2000 jibha ke saath mein Bhagwan ke naam par kirtan karte hai. Aur Maharaj unke mukh se jab laal tapakti hai, wo laal ikattha karne ke liye bhi wo Anandashesh keeps on chanting thousands and thousands of names of Shri Krishna by his 2,000 tongues, and there is so much saliva coming from his mouth, he does not even get the time to collect that saliva or wipe that saliva. Ek bar Shri Ramanuja Charja. Ye Dakshin Bharat mein virajman, Shri Rangam mein. But Dakshin Bharat mein कृमिकंठ नाम के राजा ने आतंक फैलाया हुआ है. One particular Shaivite king by the name कृमिकंठ, that is not his real name, eventually got that name कृमिकंठ because his throat became infested by so many insects due to his Vaishnava Vrat. Due to his torture and terror, Ramanujacharya had to leave South India and come to Karnataka, a place called Melukote. तो रामानुजाचार्य मेलकोटे में आए क्योंकि कृमिकंठ नाम का राजा बड़ा अत्याचार था रहा है. उस समय में वहां पर एक बल्लाल नाम का राजा विराजमान है. There is a king by the name Ballal was present in Karnataka and he is a follower of Jainism. And he, रामानुजाचार्य told him, you please accept Vaishnava Matam. रामानुजाचार्य ने उसको कहा तुम वैष्णव मत को स्वीकार करो. तो उसने कहा कि आपको मेरे 1000 गुरुओं के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा. बल्लाल टोल्ड दैट यू विल हैव टू सिमल्टेनियसली आर्ग्यू एंड डिफेंड द वैष्णव मत अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ 1000 जैन मुनीस. रामानुजाचार्य ने कहा कोई बात नहीं है, हम 1000 जैन मुनि के साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए हम तैयार हैं. तब उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि एक जैन मुनि प्रश्न पूछेगा उसके बाद में उसका जवाब दोगे, उसके बाद में दूसरा जैन मुनि पूछेगा, ऐसा नहीं होगा. That time that king put a condition that 1000 जैन मुनिस won't be asking questions consecutively, successively. They will be asking questions simultaneously. And you'll also have to answer them simultaneously. तब उस समय में उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जैन मुनि विराजमान हैं उनके बीच में और हमारे बीच में एक पर्दा होना चाहिए, हम सबका जवाब एक साथ देंगे पर कोई देख नहीं सकता हम कैसे जवाब दे रहे. Let there be a curtain between us. And 1000 Jain Munis will ask questions simultaneously and I will answer them simultaneously, but no one should look behind the curtain how I am answering. Uske baad mein 1000 Jain Muni prashna pooch rahe hain. Ek Jain Muni pooch raha hai karma kya hota hai. To
दूसरा पूछ रहा है आत्मा क्या होता है, तीसरा पूछ रहा है कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सो ऑल द जैन मुनिज आर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट इज कर्म, व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज ट्रांसमाइग्रेशन, व्हाट इज रीइंकार्नेशन, और वो सभी सुन रहे हैं कि अपने अपने सवाल का जवाब, अपने अपने कानों में जैसे ईयरफोन लगा के हम सुन लेते हैं ना कितने सारे चैनल, वैसे सब बराबर सुनते हैं। एवरीवन वाज एबल टू हियर द आंसर टू देयर क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। एक शिष्य को बड़ा कुतूहल हुआ, उसने सोचा कि गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते, एक साथ सब प्रश्न का जवाब कैसे दे सकते। One disciple had curiosity that how Gurudev is able to answer questions simultaneously. Then what he saw that there was Anantashesh on the head of Sri Ramanujacharya who was answering the questions. And Gurudev was simply in Samadhi. Guruji Samadhi mein virajman hai. Maharaj Guruji Samadhi mein baithe hue hai aur Anantashesh ji apne hajaron mukh se sab Jain muniyon ke prashn ka uttar de rahe hai. उसके बाद में शिष्य की आंखें चली गई, चकाचौंध अनंत शेष जी के मुकुट में विराजमान। After that, his disciple lost the eyesight because there was intense effulgence coming from the crowns of this, crowns on the heads of the अनंत शेष। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रामानुजाचार्य है ये भी बलराम ही, ये गुरु रूप में आचार्य लग करके विराजमान। कृष्ण का भी नाम रामानुज है, अनुज शब्द का अर्थ है जो भाई है, छोटा भाई को अनुज के, यंगर ब्रदर इज कॉल्ड अनुज। और कृष्ण को बार बार रामानुज नाम का प्रयोग होता है, जैसे विल्लंगल ठाकुर ने अपने गोविंद दामोदर माधव सूत्र में कृष्ण को रामानुज करके पुकारा है। इन गोविंद दामोदर माधव सूत्र श्री विल्लंगल ठाकुर हैज एड्रेस कृष्ण एज रामानुज। रामानुजं भिक्षण के निलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीत कोलं आबालकं मावादकं आजुहाव गोविंद दामोदर माधवेति। मैया यशोदा भी क्या करती है, माखन दिखाती है कृष्ण को, कहती रामानुज इधर आओ। पर रामानुज शब्द का और एक अर्थ होता है लक्ष्मण, कि राम शब्द का अर्थ यदि बलराम लिया जाए तो रामानुज शब्द का अर्थ होगा कृष्ण, और राम शब्द का अर्थ यदि दाशरथी राम लिया जाए तो रामानुज शब्द का अर्थ होगा लक्ष्मण। तो रामानुज दोनों है, मगर जब हम रामानुजाचार्य कहते हैं तो वो लक्ष्मण देशिक को ही हम संबोधित करते हैं जो आचार्य लीला करते हुए विराजमान है दक्षिण भारत में, जिन्होंने वैष्णव मत का प्रचार अशेष विशेष रूप से दक्षिण भारत में किया, ये लक्ष्मण है। पर प्रश्न उठता है कि बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई क्यों बने, इसका कारण है कि लक्ष्मण को बहुत दुख सहना पड़ा। जब भी कोई कठिन प्रश्न होता था, कठिन कोई कार्य होता था, वो राम जी लक्ष्मण से करवाते। ऑलवेज राम इज टू पुट लक्ष्मण टू द फायरी टेस्ट। वन टाइम Someone questioned Sita's chastity. So Ram said, arrange the fire and wood, stack up wood and let Sita undergo fire test. That also Lakshman had. Ye Lakshman ji ko karna pada, Sita ki agni pariksha ki vyavastha. Ek din ek dhobi ne kaha, hey dhobi, tu raat mein kisi ghar mein reh ke aayi? मैं क्या रामचंद्र हूं, एक साल पत्नी किसी और के घर में रहे और मैं स्वीकार करूं। वन टाइम वन वॉशर मैन ही टोल्ड हिज वाइफ हु हैड स्पेंड नाइट समवेयर एल्स, आई वोंट एक्सेप्ट यू, आई एम नॉट राम दैट आई विल एक्सेप्ट यू लाइक सीता हु स्पेंड वन ईयर इन द कस्टडी ऑफ रावण। सो राम डिसाइडेड टू अबैंडन सीता। राम जी ने सोचा अभी सीता का त्याग कर देंगे, लक्ष्मण को ही बुलाया गया,
और लक्ष्मण को बहाना बना रखा। बहुत दिन से मैया सीता जी आपने उन्हीं पतियों का दर्शन नहीं किया, कुछ उपाय उन्हें प्रदान करी, उनका कुशल पूछने के लिए राम जी की आज्ञा हुई कि आप सुबह सुबह निकलिए और सब आभूषण पहन लीजिए, अच्छी साड़ी भी पहन लेना, हम जाएंगे कुशल पूछकर वापस आएंगे, जो भी बोलना होगा। Then Lakshman had to prepare a chariot and tell Mother Sita, dear mother, we have to go. And today we want to meet all the wives of all the great sages residing on the bank of the Ganges. We'll go now and we'll come back in the evening. So wear the best of your ornaments, wear the sari, best saris, and take all the gifts for them. But jab wahan pahunche Maharaj, Ganga ji ke kinare tum kehna pada, आप कभी वापस नहीं आना हमारे साथ, राम जी ने आपका सदा के लिए त्याग कर दिया है। ये सब हृदय विदारक कार्य लक्ष्मण जी को करना पड़ा। सो ऑल दिस हार्ट रेंडिंग टेलिंग सीता दैट यू कैन नेवर कम बैक टू योर देयर एनीमोर, राम हैज फॉरसेकन यू, बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग इनफ confidence in your character and it looks not good on Ram, who has to be an ideal king. So he has abandoned you forever. Such harsh words also he had to speak. Then he decided, no more, no more, I will be the younger brother. Kabhi bhi main chota bhai nahi banunga. Jab bhi jaunga main bada